हाय किड्स, हेलो एवरीवन, एम आई लाइव बच्चों? इज मैम लाइव? डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। हाय द्विता, हेलो नेहा, हाय तला, कैसे हो मेरे बच्चों? हाउ आर यू? यस, आज हम फाइनली इस चैप्टर को क्लोज करने वाले हैं। कल से शुरू होगा स्ट्रैटेजीज, एंड कल बेटा आपको कल के लिए अनाउंसमेंट मैं कर दूंगी आज। अनाउंसमेंट करनी है मुझे। यस ऑफ कोर्स करनी है बच्चों। तो यहाँ पे सबसे पहले आज हम पार्ट फोर करने वाले, मैम इज लाइव। एक बार जल्दी से मुझे चैट सेक्शन में बता दो। तो लेट अस स्टार्ट विद द सेशन बच्चों। सेशन को शुरू करते हैं। चैनल को आपने जरूर सब्सक्राइब कर दिया होगा। 2.5 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं आज बच्चों, है ना? 2.5 लाख। यस 2.5 लाख। आपको पता है 16, मैं आपको बताती हूँ, 16 मार्च से, आज क्या हुई है 26 मई, इस बीच में 1,10,000 सब्सक्राइबर आए हैं। 1,10,000, यस, इतने सारे सब्सक्राइबर, ठीक है? तो यहाँ पे आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बेटा, लाइक शेयर जरूर ठोके, है ना, दिल खुश करके। एंड नीट टॉपर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है आपका परफेक्ट बायो। और बायोलॉजी नीट रैंकर्स 360 बहुत जल्दी आने वाला है, उसकी तैयारी हो चुकी है, बैनर भी बन चुका है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जितने भी हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो मैम से पढ़ सकते हैं, प्लस बैच पे, प्लस सब्सक्रिप्शन पे, जहां पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं हिंदी मीडियम में। तो लेजेंड्स बैच भी है बच्चों, जहां पे अगेन टॉप एजुकेटर्स है। यस, एंड मंजिल बैच, जहां आपको मिलेगी मंजिल। तो ये सारे इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने के लिए आप लॉन्ग टर्म सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और यही नहीं, इस टाइम अनअकैडमी आपको 12 महीने के साथ 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री देता है, 24 के साथ 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री देता है। बट इसके साथ आपको एक मैजिकल कोड भी लगाना होता है, जिसका नाम है जीए नीट। ये कोड लगाते ही आपको मिल जाता है 10% ऑफ, ऐसे आग झपकाते ही, है ना बच्चों? और ये कॉम्बैट है, आप स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं हमारे इस पेपर के साथ जुड़ के, जो हर संडे सुबह 11 बजे होता है। इसमें फ्री एनरोलमेंट के लिए ना भूलिए जीए नीट कोड लगाना, ठीक है? यस, आज मैं एक बहुत ही अच्छी बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। रिसेंटली मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे बहुत सारे बच्चों ने, मतलब कि वायरल कर दिया इस चीज को। मैं आपको बताऊँ, कम से कम ने तो एक दिन में 10-10 बच्चे लगाते थे। वो इतने शाणे हो, वैसे तो मैं बताऊँ तुम लोग इतने शाणे हो कि तुम्हारा कोई जवाब नहीं है, बहुत तेज बच्चे हैं ये। उन्होंने क्या किया, गूगल पे गए, वहां बेस्ट बायो टीचर सर्च करे, मतलब इन्हें शक था कि हम जैसे पढ़ रहे वो नहीं है बेस्ट, ठीक है? वहां पे जब इन नलायकों ने देख लिया कि हाँ गर्मा मैम का ही नाम आ रहा है, बिल्कुल कड़े शब्दों में गूगल बता रहा है ये चीज, ठीक है, तब फोटो खींच के मेरे को भेज रहे, प्रमाण भेज रहे कि देखो मैम आपसे ही पढ़ रहे हैं, आप ही बेस्ट हैं। इतने नालायक बच्चे हैं मेरे, सबके सब इतने नालायक बच्चे हैं, मतलब कि जब तक गूगल ने नहीं बता दे तो ये विश्वास ही नहीं करेंगे, इतने ज्यादा नालायक बच्चे मेरे। यस, बट यार देखो मैं खुश हूं, ऑफ कोर्स आई एम हैप्पी, इसमें कहने की बात नहीं है, वो मैं थोड़ा सा हाँ मॉडेस्ट प्ले कर रही थी। खुश मैं बहुत हूँ यार, जब गूगल आंसर देता तो यार खुशी तो होगी ना, लाइक गूगल इज आंसरिंग हु इज द बेस्ट बायो टीचर, मतलब टू मच है यार ये। और बच्चों मेरे को तो ये सब पता भी नहीं था, ये नालायक जितने आपको वहां पे दिख रहे हैं ना, 1100 नालायक आ चुके हैं, ये इन सबका यही काम रहता है डेली करना, ठीक है? तो हर जगह जा जाके मतलब श्योर करते कि हाँ हम अपने टीचर पे शक तो नहीं कर रहे हैं। तो बट थैंक यू सो मच बच्चों फॉर मेकिंग मी रीच एट द लेवल वेयर आई कैन सी बेस्ट, ठीक है? सो थैंक यू सो मच। आई थिंक सक्सेस वही है बच्चों, यू नो, काम कार्य वही है जब आपके आगे बेस्ट हो। तो क्या आप बेस्ट डॉक्टर्स बनेंगे मेरे लिए? जल्दी से एक बार चैट सेक्शन में दिल के साथ मुझे बता दीजिए, क्योंकि मेरे बच्चे या बेस्ट टीचर से पढ़ के बेस्ट डॉक्टर्स ही तो बनने चाहिए ना, बोलो यस और नो, है ना? तो इसी स्माइल के साथ जब भी आपके पास कोई पेशेंट आ जाए तो आपने क्या करना है, आइए बैठिए, अभी आप चुटकियों में ठीक हो जाएंगे, बस मेरे बच्चों इतना सा करना है, आधी प्रॉब्लम आधा इलाज तो तुमने अपनी हंसी से कर दिया, ठीक है बच्चों? यस, तो ऐसे ही मेरे बच्चे बनेंगे। और इसी के साथ आज जोश के साथ इस चैप्टर को हमें क्या करना है, खत्म करना है। तो जोश आज कम नहीं होना चाहिए बच्चों। चलिए आज शुरू करते हैं, कॉजेज ऑफ कैंसर हमें करने, प्रॉपर्टीज हमने कर ली थी, ठीक है? आज हम टाइप्स ऑफ कैंसर करेंगे। तो चलिए बेटा, थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मुझे लिखवानी है, क्योंकि इस वाले टॉपिक से आपको पता है बाहर से क्वेश्चन आते हैं। कार्सिनोजेंस के बारे में पढ़ेंगे, थोड़े थोड़े नोट्स आप मेरे साथ साथ बनाइए, तैयार हो जाइए, क्योंकि इस टॉपिक में मैम एक भी चीज ऐसी नहीं छोड़ेगी जहां आपके नंबर कटने के चांसेस बन जाए,
फोन डाल दिए एयरप्लेन मोड पे, चले आइए। तो सबसे पहले हम कॉजेज ऑफ कैंसर करने वाले हैं, कॉजेज ऑफ कैंसर, ठीक है मेरे बच्चों। नाउ द कैंसर कॉजिंग एजेंट्स आर कॉल्ड एज डैश, जल्दी से चैट सेक्शन में बताइए। सो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स आर कॉल्ड एज कार्सिनोजेंस, क्या कहते हैं मेरे बच्चों ने, कार्सिनोजेंस, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक बड़ा अच्छा सवाल पूछने वाली हूँ आपसे, क्या सारे म्यूटाजेंस कार्सिनोजेंस होते हैं, जल्दी बताइए चैट सेक्शन में। तो अगर हम यहाँ पे देखें म्यूटाजेंस, ठीक है, म्यूटाजेंस वो हैं जो म्यूटेशन करते हैं, तो क्या सारे कार्सिनोजन म्यूटाजेंस होते हैं, आपका आंसर होगा नो, ऐसा नहीं है। क्या सारे म्यूटाजेंस कार्सिनोजेंस होते हैं, आपका आंसर होगा नो। तो आपको याद रखना है जो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स है वो कार्सिनोजेंस है, जो म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट्स है उन्हें म्यूटाजेंस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके तीन तरह के कार्सिनोजेंस है, कितने तरह के कार्सिनोजेंस है बच्चों, तीन तरह के कार्सिनोजेंस है। पहले कौन से, आपके फिजिकल कार्सिनोजेंस, कौन से बेटा, फिजिकल, ठीक है। दूसरे कौन से, आपके रासायनिक, रासायनिक का मतलब, यस, केमिकल्स, रासायनिक का मतलब क्या है, केमिकल्स। और तीसरे यानी कि लास्ट वाले जो है, दीज आर बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस, ठीक है। तो ये तीन कैटेगरी है, तो सबसे पहले कैटेगरी को देखेंगे हम फिजिकल, फिर उसके बाद हम एनसीईआरटी की रीडिंग लगाएंगे, ऑफ कोर्स जो हम हमेशा करते हैं। बट आप मेरे साथ हाथ के हाथ आंसर देते रहिए, क्योंकि यहाँ पे हम रिवीजन भी कर रहे हैं, ठीक है। अगर फिजिकल की बात करें तो कौन सी आती है, रेडिएशन, ठीक है, यस, क्या आती है बेटा यहाँ पे, रेडिएशन। अगर रेडिएशन की बात करें तो रेडिएशन कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है, कितने टाइप की होती है बच्चों, यस, दो टाइप की होती है, एक होती है आयोनाइजिंग, वेरी गुड जन्नत, एक होती है नॉन आयोनाइजिंग। तो यहां पे हम लिख देते हैं नॉन आयोनाइजिंग एंड आयोनाइजिंग। अब जल्दी इसके इसके एग्जाम्पल फेंकेंगे बच्चे कहां पे, चैट सेक्शन में। नॉन आयोनाइजिंग का एग्जाम्पल क्या, आपका यूवी रेडिएशन, यूवी रेज, ये कहां से आती है, आपकी सन से आती है, और दिस कॉजेज अ स्किन कैंसर। इससे कौन सा कैंसर होता है मेरे बच्चों, स्किन कैंसर। और स्किन कैंसर क्यों होता है, क्योंकि थायमिन थायमिन पास में दोस्ती कर लेते हैं, कहते हैं दो जिस्म एक जान, यानी कि दो थायमिन है बट दोनों आपस में एक मानने लगते हैं अपने आप को, दिस इज कॉल्ड एज थायमिन डाइमराइजेशन, जिसके कारण एरर आती है डीएनए में और उसके कारण स्किन कैंसर हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं आयोनाइजिंग पे, आयोनाइजिंग का एग्जांपल क्या है, एक्स रेज, ठीक है, गामा रेज, ये सारी जितनी भी रेज है ये आयोनाइजिंग है, ये अक्सर आप एक्सरे यानी अपने हड्डी के ढांचे को दिखाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है इसका, दैट इज शार्प टीथ यानी पैने दांत, ठीक है, कैसे, पैने दांत यानी शार्प टीथ। अब आप कहेंगे मैम दांत पैने तो कैंसर कैसे हो जाएगा, है ना, काफी बच्चों को डाउट रह सकता है, तो मैं आपको बता दूं बेटा होता क्या है ना, आपकी जीभ है जो बहुत चलती है, वैसे तो कटर 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 जीभ तो वहां चलती है, आई नो दैट। अब होता क्या है, देखो दांत है, आप कुछ खा रहे हो, किसी ने तुम्हें गाली दी, तुम अपनी जीभ काट लेते हो, है ना, ऐसा कहते हैं कि तुम्हें कोई गरियार है इसलिए तुम्हारी जीभ आ जाती है तुम्हारे दांतों के बीच और तुम स्वाद लेते रहते, ऐसे ऐसे करने लगते हो, ठीक है। तो होता क्या, जिन लोग के शार्प टीथ है ना, अभी हमारा तो बस कटा ही था, उनको तो बेटा छिल जाएगा, खून निकल आएगा, तो बार बार खून निकलने से बार बार रिपेयर होता है, जिसके कारण उनके सेल्स कहते हैं अरे यार इसने तो बस काटने का ही काम कर रखा है, तो चलो भाई कैंसर सेल बन जाते हैं, भर ले बेटा जितना भरना है तुझे, ठीक है। तो इस तरीके से जो शार्प टीथ होते हैं तो वहां पे भी कैंसर हो जाता है, ठीक है। द नेक्स्ट टाइप ऑफ एग्जाम्पल हेयर कैन बी कांगड़ी कैंसर, कांगड़ी कैंसर। अब कांगड़ी क्या होता है, कांगड़ी क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, जो हमारे कश्मीरी बाबू होंगे यहाँ पे, ठीक है, यस, कश्मीरी बाबू होंगे, वो क्या करते हैं सर्दियों में अपना शहंशाह वाला कोट पहनते हैं ऐसे हर किसी को, ठीक है, वो शहंशाह वाला कोट पहनते हैं और अंदर क्या रहता है, यहाँ पे कांगड़ी रहता है, ठीक है, और अंदर ऐसे हाथ सेकते रहते हैं और बात करते रहते हैं, कैसी हो,
कॉफी पियोगी, लाव गर्म कर देते हैं, है ना, अपने साथ लेके चलते हैं कांगड़ी। अब होता क्या, दिन भर वहां पे कोयला जला के रखे पेट के पास, तो वहां की स्किन क्या हो जाएगी, कैंसरस हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे देखना होगा कि कांगड़ी से भी कैंसर हो जाता है। तो आपको अपनी सुरक्षा अपने हाथों में है। आप केमिकल पे आते, यानी रासायनिक पे आते, केमिकल्स की बात करें तो एफ्लाटॉक्सिन, एफ्लाटॉक्सिन कहां से आता है, ये फंगस से आता है। कहां से आता है, ये फंगस से, ठीक है। अभी हरी ब्रेड, अब क्या हुआ कुछ दिन पहले देखो, ब्रेड के ऊपर ना वो आ गई थी फंगस, हरे रंग की होती है, हम कहे मिंट मेयोनीज है, ठीक है। जैसे खाने वाले थे मेरे हस्बैंड, मैंने कहा अरे नहीं, फंगस है। ऐसे ही तुम्हारे साथ भी हो जाता है, मिंट मेयोनीज को जरा चख लेना बेटा, क्योंकि कई बार मिंट मेयोनीज की जगह एफ्लाटॉक्सिन आ जाते हैं जिसमें फंगस रहती है, ठीक है। तो ऐसे काम तुम मत करना, हम हाँ मैं तो सुन ली थी बेटा, तुम मत करना ऐसा काम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एफ्लाटॉक्सिन खाएंगे तो हो सकता है कि कैंसर हो जाए। उसके बाद आते हैं बिसफिनॉल ए, बिसफिनॉल ए यानी बीपीए, इसकी शॉर्ट फॉर्म बीपीए बोलते हैं इसको। बिसफिनॉल ए आपको पता है प्लास्टिक में मिलता है, किसमें मिलता है बेटा, प्लास्टिक में, ठीक है। लैग हो रहा है क्या सेशन में, एक बार मुझे चार्ट सेक्शन में बता दो, लैग हो रहा है, ये स्पैमर्स का काम है, यस। अच्छा साक्षी गिरी मैम, लैग हो रहा है बेटा, पता नहीं लैग क्यों हो रहा है, कल से नेट बहुत दुखी कर रहा है हमको। कोई नहीं, तुम्हें स्टोरी सुनाती हूँ। अब देखो क्या होता है बिसफिनॉल ए, अब यहां पे ध्यान से सुनना, बिसफिनॉल ए क्या है, प्लास्टिक देखे हो अपनी जिंदगी में तुम लोग, प्लास्टिक देखे हो या नहीं देखे हो, नहीं देखे हो तो जाके थैली देखो। अभी होता क्या है, सर्दियों के दिनों में तुम्हें चाय पीने का शौक चढ़ता है, ठीक है। अब हम तुम्हें बनारस की बात बता, बनारस में क्या है, इतने से कप, देखो तुम्हें सही डायमेंशन बता रही हूँ, इतना साइज है और इतनी उसकी चौड़ाई है बस, यानी गिन के चार घुट, मतलब बस खत्म खत्म खत्म, चाय खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि जो प्लास्टिक है ना उसको पकड़ा भी नहीं जा रहा है, तो ऐसी प्लास्टिक में जब गर्म चाय गिरती है तो प्लास्टिक घुल जाती है। जैसी प्लास्टिक घुलती है वहां पे, आप प्लास्टिक पी रहे हैं, आप चाय नहीं पी रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे आपको समझना होगा कि कोई भी गर्म चीज कभी प्लास्टिक के कांटेक्ट में नहीं आनी चाहिए, इट इज अ मेजर कॉज ऑफ कार्सिनोजेंस राइट नाउ, ठीक है, कैंसर का मेजर कॉज है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट गैस पे जिसका नाम है मस्टर्ड गैस। अब देखो मस्टर्ड गैस क्या होती है, मेरे से पूछना मत, हम केमिस्ट्री के टीचर तो नहीं है, ठीक है। मस्टर्ड गैस से हो सकता है, अब टोबैको की बात करें, गुटकी की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम जब भी योगी कंठिया खाते हैं आप लोग हम पे शक करते हैं, ठीक है। गुटका क्या रहता है, रखने का पीसने का, ठीक है, यस। उसके अंदर टोबैको रहता है, टोबैको में निकोटिन रहता है, ठीक है, जिसके कारण कैंसर हो सकता है। ये धूम्रपान की फॉर्म में भी लिया जाता है और गुटके की फॉर्म में भी लिया जाता है। जितना ज्यादा आप इसका सेवन करेंगे उतना ज्यादा कैंसर के पास आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। हाँ, और जो लोग ये कहते हैं मुंह में रजनीगंधा कदमों में दुनिया, उनकी तो वहीं पे पिटाई कर देनी चाहिए, थपाक वहीं पे, ठीक है। तो यहां पर हम निकोटिन भी लिख लेते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कोल तार। अब कोल तार मैं आपको बताती हूँ, ये एक बहुत बड़ा कार्सिनोजन है, इसके कारण आपके फेफड़े काले हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, आपके फेफड़े काले हो जाते हैं। इसको हम दिखाएंगे तो मेरे रुके, आज हम आपको विजुअलाइज भी कराएंगे, प्रॉपर विजुअलाइजेशन होगा। वो स्लाइड जा चुकी है, मैं पहले बता दूं, आई होप आपने लिख लिया होगा, ऐसे मैं मान के चल रही हूं। गूगल पे जाएंगे, ठीक है, कोल तार वाला लंग, ठीक है, ऐसे सर्च करते हैं हम तो। देखो गूगल भी हमारी भाषा समझ जाता है, वेरी नाइस। अच्छा ये देखिए, ये देखिए, देखिए इमेजेस आ गई है, आ गई है, आपको अभी दिखाएंगे। देखो देखो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दिखा रहे, फेफड़े नहीं दिखा रहे हैं, अरे गंदी गंदी फोटो दिखा रहे हैं बिल्कुल। चलो यहाँ पे दिखा तो नहीं रहे, अच्छा लंग्स देखते हैं यहाँ पे क्या आता है रिजल्ट में, अभी दिखाएंगे आपको, बढ़िया से विजुअलाइज करेंगे, आप जाना मत कहीं पे। ये देखिए, ये देखिए आ गई, इसी फोटो का था इंतजार, आप देख रहे हैं। Can you visualize this, बच्चों? Everyone in the chat section. Yes. देख रहा है सबको? ये देखिए, ये आपके नॉर्मल फेफड़े, यानी ये हमारे फेफड़े हैं। किसके? हमारे। ये कौन है जो हुक्का पीते हैं दिन भर? हुक्का वाले लोग हैं, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर कोयला रहता है। जैसे आप एक गुटका मारते हैं वहां पे या सिड़कते हैं, मतलब आप समझ रहे हैं ना, ऐसे जैसे आप करते हैं कोयला से खटखट 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 करता है, ठीक है। जैसे खटखट कर रहा है, अब आपके ना साथ में उसका धुआं ले रहे हैं, तो धुएं से आप देख रहे हैं आपका लंग काला पड़ जाएगा, देख पा रहे हैं सर? तो ये चीज है आपके, देखिए नॉर्मल लंग एंड इन स्मोकर्स, ठीक है, सबको समझ में आया?
बिल्कुल, तो यही चीज हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देख सकते हैं आप लंग्स का क्या हाल हो जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया से आपको पता लगना चाहिए लंग्स का क्या हाल हो जा रहा है। देखिए तो बेटा, इसलिए ये सब चीजों से जितना आप दूर रहेंगे आपका जीवन उतना ही सुखी जीवन रहेगा, ठीक है। अब हम लास्ट वाले पे आ रहे हैं, लास्ट वाला है हमारा बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल एजेंट्स, बायोलॉजिकल एजेंट्स पे आते हैं। अब देखो बायोलॉजिकल एजेंट्स क्या है, ऐसी वायरसेस जिन्हें ना चैन है ना चैन से रहने देंगे। ये वो लोग हैं आपकी जिंदगी में, खुद तो पढ़ेंगे नहीं, आपकी पढ़ाई में भांजी मारने जरूर आ जाएंगे, यानी भांजी मार दोस्त। यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे आपकी है ऑन्को वायरसेस, ऑन्को वायरसेस, ऑन्को वायरसेस कौन से होते हैं जो आपके सोते हुए जीन्स को जगा देती है। अब आप कहेंगे मैम सोते हुए जीन्स कौन से हैं, सोते हुए जीन्स होते हैं प्रोटो ऑन्को जीन्स, ठीक है, यस। अब देखो यहां पे इसको इस तरीके से समझो, हर इंसान गुस्सा कर सकता है, चाहे वो रिशिता हो, श्रुति हो, दीपशा हो, राम हो या उमा हो, कोई भी हो, हर कोई गुस्सा कर सकता है, ठीक है। बट अगर आप उसे, अगर वो शांत बैठा है और जा जाके उंगली करेंगे तो गुस्सा करेगा ही ना, तो ये वही ऑन्को वायरस है। अरे भाई शांत बैठा है ना जी, ना शांत क्यों बैठा है, ये इसको तुरंत से चेंज कर देगा किस में, ऑन्को जीन्स में। जहां ये जीन्स ऑन्को जीन्स में हो गया भड़क पड़ेगा, जैसे ये भड़केगा क्या कर देगा, कैंसर, इससे क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, कैंसर। तो ऐसी वायरसेस जो तुम्हारे सोते प्रोटो ऑन्कोजीन्स को ऑन्कोजीन्स में बदल दे वो हो जाता है कैंसर। क्या ये सारे कॉजेस क्लियर है सबको, एक बार जल्दी से चैट सेक्शन में बच्चे बताएंगे। अब हम एनसीईआरटी की रीडिंग लगाएंगे कि हमने कुछ मिस तो नहीं कर दिया है, ठीक है। चलिए आइए एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, मेरा मन करे एक आध बच्चे को बुला लो अपने स्टूडियो में कि भाई रीडिंग का काम तेरा, यस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस नियोप्लास्टिक सेल। अब किसी बच्चे ने मुझसे नियोप्लास्टिक का मतलब नहीं समझ पूछा, नियोप्लास्टिक का मतलब क्या, मास ऑफ ट्यूमर सेल्स। बेटा इसका मतलब लिख लिया करो जिसे कि आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहे, ठीक है। सो नॉर्मल सेल से कैंसरस सेल ये बन जाता है अगर कोई फिजिकल वजह है, केमिकल वजह है या बायोलॉजिकल वजह है, ये तीन चीजें हमने लिखी थी। These agents are called carcinogens. Cancer causing agents are called carcinogen. Ionizing radiation like X-rays and gamma rays and non-ionizing like UV rays can cause DNA damage leading to neoplastic transformation. तो ultimately damage कहाँ हो रहा है, DNA damage हो रहा है, जिसके कारण normal cell किस में बदल जाता है, cancer cell में बदल जाता है, ठीक है। Next, the chemical carcinogen present in tobacco. Tobacco समझ रहे हैं ना, टोबैको, ठीक है, यस। तो टोबैको में कौन सा होता है, निकोटीन, क्या होता है बेटा, निकोटीन। स्मोक हैज बीन आइडेंटिफाइड एज अ मेजर कॉज ऑफ लंग कैंसर, यानी धूम्रपान के कारण दो चीजें होती है बेटा, धूम्रपान के कारण दो चीजें हो रही है, एक तो एनसीईआरटी कहती है एम्फाइसीमा और दूसरी एनसीईआरटी लिखती है लंग कैंसर। एम्फाइसीमा में क्या होता है मेरे बच्चों, डैमेज टू एल्वोलाई, क्या होता है एम्फाइसीमा में, डैमेज टू alveoli, ठीक है। वही लंग कैंसर में क्या है, कैंसरस सेल बन रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, कैंसर कॉजिंग वायरसेस। जो कैंसर कॉजिंग वायरसेस होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑन्कोजेनिक वायरस, क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, ऑन्कोजेनिक वायरस हैव जीन्स कॉल्ड वायरल ऑन्कोजीन्स, ठीक है। फर्दरमोर सेवन जीन्स कॉल्ड सेलुलर ऑन्कोजीन्स और प्रोटो ऑन्कोजीन्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन नॉर्मल सेल व्हिच व्हेन एक्टिवेटेड अंडर सर्टेन कंडीशन कुड लीड टू ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि जो प्रोटो ऑन्को से ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन है, दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ वायरसेस। क्या ये सबको क्लियर है मेरे बच्चों, डन। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं, कैंसर, कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। बट इससे पहले मैम एक चीज और ऐड कराएगी आपके नोट्स में, प्लीज एवरीवन ऐड दिस, व्हाट इज कार्सिनोमा, व्हाट इज सार्कोमा एंड व्हाट इज ल्यूकेमिया। ये वर्ड्स बहुत कॉमन है, जितने बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं अक्सर उन्हें ये टर्म्स देखने को मिलते होंगे, है ना। चलिए हम यहां पे करेंगे टाइप्स ऑफ कैंसर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो बेटा फटाफट से एक फ्लो चार्ट बना लो, जितने बच्चे सीरियसली पढ़ रहे हैं उनको ये टर्म्स अक्सर दिखते होंगे, ये मेरी गारंटी है तुम लोगों से। पहला है कार्सिनोमा, कार्सिनोमा, दूसरा है बच्चों सार्कोमा, सार्कोमा, और तीसरा क्या है नलायको, ल्यूकेमिया।
क्या है? ल्यूकेमिया। ठीक है, अब आ जाए इसके बारे में समझते हैं। द कैंसर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज कॉल्ड एज कार्सिनोमा। चलिए जल्दी बताइए चैट बॉक्स में क्या बोला मैम ने कार्सिनोमा के लिए। यस राम, कार्सिनोमा क्या है? कैंसर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, कैंसर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है भाई, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे मैम एपिथेलियल टिश्यू कहाँ होता है? हर जगह होता है, क्योंकि पैकेजिंग का काम किए हैं हर जगह बॉडी में। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू कहाँ होता है मेरे बच्चों, लिखो चैट बॉक्स में। यह हर जगह होता है क्योंकि पैकेजिंग का काम किए हैं। किसका काम किए हैं? ये पैकेजिंग का काम किए हैं, पैकेजिंग किए हैं, इसे हर जगह प्रेजेंट होता है। अगर इसके ओरिजिन की बात करें तो इसका ओरिजिन भी तीनों से होता है, यानी इसका ओरिजिन एक्टोडर्मल भी है, मीजोडर्मल भी है और एंडोडर्मल भी है। सिंस हर जगह प्रेजेंट है तो सबसे ज्यादा कॉमन टाइप ऑफ कैंसर भी क्या होगा? कार्सिनोमास। यानी 85% अगर कैंसर होते हैं तो वो कौन से होते हैं? कार्सिनोमा कैंसर्स होते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जांपल बताएंगे। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर सीन इन महिला, जल्दी से बताइए महिला में कौन सा मिलता है? ब्रेस्ट कैंसर। कौन सा? ब्रेस्ट कैंसर। वहीं अगर मेल्स की बात करें तो मेल्स में सबसे कॉमन टाइप ऑफ कैंसर इज प्रोस्टेट कैंसर। कौन सा बेटा? प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर। और जो बाहर, ओहो बाहर समझ रहे हैं, बाहर के देशों में जो सबसे कॉमन टाइप ऑफ कैंसर, दैट इज कोलोन कैंसर। कौन सा कैंसर है बेटा? कोलोन कैंसर। ये सारे इस सेक्टर लिख देते हैं, बहुत सारे तरह के कैंसर है, लंग कैंसर हो गया, ठीक है, पैनक्रियाटिक कैंसर, सब लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब आते हैं सार्कोमा। सार्कोमा इज अ कैंसर ऑफ मीजोडर्मल ओरिजिन टिश्यू। ठीक है, कैंसर ऑफ मीजोडर्मल ओरिजिन टिश्यू। ठीक है बेटा, चलिए इसके एग्जाम्पल कर ले। पहले एग्जाम्पल है ऑस्टियोसार्कोमा। मैं नहीं बताऊंगी, नाम से आप खुद बताने की कोशिश करेंगे, मैं आज क्लास में ये नहीं बताऊंगी। यस कम ऑन, दिमाग लगाओ। और अब तुम्हें इतना मैम बायो पढ़ा चुकी हैं कि आप नाम से इसका मतलब निकाल सकते हैं, इतना मैं पढ़ा चुकी हूँ। यस मैम, ये कोलोन कैंसर कॉमन क्यों होता है? क्योंकि वो प्रोसेस फूड यूज करते हैं। क्या देख रहे हो, जलवा है इनका, बोन कैंसर। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट हम लिख देते हैं, एक सेकेंड बच्चों, लिम्फोसार्कोमा। लिम्फोसार्कोमा, चलिए बताइए लिम्फोसार्कोमा किसका कैंसर है? चलिए जल्दी बताइए, वेट मत कीजिए बिल्कुल भी। इट इज लिम्फ नोड्स। ठीक है, क्या है ये? लिम्फ नोड्स। ठीक है, उसका कैंसर है। अब आते हैं ल्यूकेमिया में। ल्यूकेमिया को किस नाम से कहते हैं? ब्लड कैंसर। इसका नाम क्या है? ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर। जो अक्सर कहां पे होता है? रेड बोन मैरो में। अक्सर कहां पे होता है मेरे बच्चों? रेड बोन मैरो में अक्सर होता है। ठीक है, अब यहां पे आते हैं जरा इसके, आपने जरूर पढ़ा होगा बेटा फिलेडेल्फिया। हैव यू डन दिस? ये पक्का मैम ने जेनेटिक्स में आपको बताया, आज मैं उसका बताती हूँ यहाँ पे क्या रोल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले सी एम एल, जिसकी फुल फॉर्म बच्चे लिखेंगे चार्ट सेक्शन में, क्रॉनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो म्यूटेशन से हो रहा है। किससे हो रहा है मेरे बेटे बच्चों? म्यूटेशन से। और म्यूटेशन कौन सा हो रहा है यहाँ पे? ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन बिटवीन नॉन होमोलोगस, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ट्रांसलोकेशन हमेशा नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम 9 and 22, सबसे इंपॉर्टेंट फिलेडेल्फिया क्रोमोसोम। ठीक है, इस ट्रांसलोकेशन के कारण जो है आपको ब्लड कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है बेटा, बिल्कुल। अब आते हैं नेक्स्ट पे, बर्किट्स लिम्फोमा। आई थिंक जितने भी प्रीवियस ईयर बच्चे सॉल्व कर रहे हैं उन्होंने बर्किट्स लिम्फोमा पक्का देखा होगा, आई एम प्रीटी श्योर। बर्किट्स लिम्फोमा क्या होता है, इसके बारे में आज मैम पूरी डिटेल देंगे आपको। बर्किट्स लिम्फोमा से भी आपका ब्लड कैंसर होता है, बट इसमें ट्रांसलोकेशन अलग हो रही है। ठीक है, आपको याद रखना है यहां पे ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन हो रही है बिटवीन 8
एंड 14th क्रोमोसोम, तो ये भी नॉन होमोलोगस है। तो ऐसी वाली जो ट्रांसलोकेशन हो रही है उसके कारण भी ब्लड कैंसर हो सकता है। तो ब्लड कैंसर के दो रीजन मैम ने दिया और ये दोनों आपको याद करने हैं क्योंकि नीट में पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट बर्किट्स लिम्फोमा, लिख लिया बेटा सबने। मैम एक साइंटिस्ट पे सेशन लीजिए बेटा, सारे स्पेशल सेशन रैंकर्स बायोलॉजी पे होंगे। यस बेटा, यहाँ पे बहुत पैक्ड हो गए स्केड्यूल इस नीट टॉपर्स पे, आपको पता सारे टीचर्स बिल्कुल प्रो एक्टिव है पढ़ाने में, तो यहाँ पे तो बिल्कुल पैक हो चुका है, मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। सब टीचर्स बिल्कुल प्रो एक्टिव है आप लोगों के लिए। डन बच्चों, चलिए अब आते हैं, अब जरा पैराग्राफ पढ़ेंगे, दैट इज कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। अब डिटेक्शन कैसे करें, डायग्नोसिस कैसे करें, फिर उसका ट्रीटमेंट कैसे करें, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे तीन चार चीजें आती है बड़ी इंपॉर्टेंट, तो स्टार्ट करें मेरे बच्चों। चलिए, अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर is essential as it allows a disease to be treated successfully in many cases. Cancer detection is based on the biopsy and histopathological studies. तो चलिए इसको समझे, बायोप्सी को समझे, क्या कहते हैं बच्चों? चलिए आइए चिनमय, बायोप्सी क्या है? मान लीजिए कुछ टेस्ट हुए और उसमें पता लगा कि एक्स बंदे को, आज हम किस बच्चे का नाम नहीं लेंगे, एक्स लेंगे, ठीक है, एक्स एक्स बवासीर, ठीक है, यस ये जो एक्स होता है, चलो ये जो एक्स है, इस बंदे को मान लो कि सिम्टम आ रहे कैंसर के, ठीक है, किसके सिम्टम आ रहे, कैंसर के। अब हमें कंफर्म करना है तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि भाई इसका कुछ टिश्यू निकाल लो, इसकी बॉडी से कुछ टिश्यू निकाल लो, ठीक है। तो बायोप्सी में हमने क्या किया, टिश्यू निकाल लिया, ऐसे टिश्यू निकाल लिया, ठीक है। जैसे हमने टिश्यू निकाला उसको आपने ग्रो करना है पेट्री डिश में, ग्रो किया, जब ये ग्रो किया तो ये अलग लेवल पे ही, ठीक है, अलग लेवल पे ग्रो कर रहा है, नो कॉन्टैक्ट इनिबिशन, कोई इंटैक्ट इनिबिशन नहीं है। तो आप क्या कहेंगे, कैंसर पॉजिटिव कैंसर नेगेटिव, बताइए जल्दी से चैट सेक्शन में, जल्दी बताइए चैट सेक्शन में, कमऑन किड्स कमऑन, क्या क्या कहेंगे, कैंसर पॉजिटिव और कैंसर नेगेटिव ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टडी। तो ये जो सैंपल कलेक्शन था बायोप्सी, जब आपने इसको टिश्यू को स्टडी किया, इट इज कॉल्ड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। सो बायोप्सी करके, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी करके, यू कैन टेल अ पर्सन इज ही पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, ऑफ द टिश्यू एंड ब्लड, बोन मैरो टेस्ट फॉर इंक्रीज सेल काउंट इन द केस ऑफ ल्यूकेमियास। अब देखो, पहला जो है कैंसर डिटेक्शन के लिए हम यूज कर सकते हैं बायोप्सी, लिख लेते हैं यहां पे। अब देखिए, किसी को ब्लड कैंसर है, आपको पता है कितना काउंट होता है ब्लड का, कितना आरबीसी होता है, कितना डब्ल्यूबीसी होता है, कितना प्लेटलेट होता है, अंदाजा है कि नहीं है, पढ़ा है ना तुम्हें सब, तुम्हें अंदाजा है दोईता, है ना। अब उससे डबल मिल रहा है, अब उड़ी बाबा डबल कैसे हो गया, इन्फेक्शन तो है ही बॉडी में, ESR देखे थे, ESR से पता लगा इन्फेक्शन है, नहीं उड़ी बाबा, फिर भी इसके अंदर ज्यादा ब्लड सेल है, यानी कि कुनू खतरा है, ठीक है। तो जब भी हम ब्लड कैंसर को देखना चाहते हैं तो वी विल सी फॉर द ब्लड काउंट, ब्लड काउंट चेक कर लो, सिंपल सी चीज है, डबल से भी ज्यादा तो मतलब कि झोल हो चुका है। इन बायोप्सी, अब बायोप्सी एक्सप्लेन कर रही है एनसीईआरटी, धन्य एनसीईआरटी का कुछ एक्सप्लेन तो कर रही है आज। इन बायोप्सी अ पीस ऑफ द सस्पेक्टेड टिश्यू, सस्पेक्टेड टिश्यू क्या है कि शायद यही है जो नालायक है, कट इंटू थिन सेक्शन एंड स्टेन एंड एग्जामिन अंडर माइक्रोस्कोप, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। तो जब आप उसे माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उसे ही हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी कहते हैं, जो हमने यहाँ पे आपको बताया, बाय अ पैथोलॉजिस्ट। पैथोलॉजिस्ट कौन है, जो पता करेंगे, ठीक है, कि आप इन्फेक्टेड हैं या नहीं है। टेक्निक लाइक, आप यहाँ पे नया शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पे थर्ड लिख देते हैं, टेक्निक्स लाइक रेडियोग्राफी यूजिंग एक्स रेज, सीटी स्कैन एंड MRI, तीनों लिख लिया आपने, तो आप एक्सरे को यूज कर सकते हैं फॉर बोन कैंसर। किसके लिए यूज कर सकते हैं, फॉर द डिटेक्शन ऑफ बोन कैंसर। कैसे यूज करेंगे, चलिए मैं आपको बताती हूं। मान लीजिए कि आपकी हड्डी है, ये रही आपकी हड्डी, ठीक है, आपने यहां पे एक्सरे फेंकी, ठीक है, तो हड्डी आपको दिख गई। अब जब अगर यहीं पर कैंसर हो रहा है तो हड्डी का साइज इस तरीके से मोटा हो गया, ठीक है, तो आपको ये उड़ी बाबा इतनी मोटी हड्डी कैसे हो गई, कुछ तो गड़बड़ है।
तो यानी एक्सरे से आप बोन कैंसर का बहुत इजीली पता कर सकते हैं, ठीक है। सीटी स्कैन में भी एक्सरेज का इस्तेमाल होता है, बट यहाँ पे इंटरनल डिटेल्स भी पता लगती है। एमआरआई में हम मैग्नेटिक वेव्स यूज करते हैं टू गेट टू नो द प्रोसीजर, बिकॉज एमआरआई स्टैंड फॉर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। ये सबसे महंगा और सबसे टिकाऊ है, महंगा बहुत है टिकाऊ बहुत है। अगर आप जा रहे हैं कराने के लिए किसी इंसान का भी, एक्स का, बवासीर की बात कर लेते हैं, एक्स की बात कर लेते हैं, तो अगर जा रहे हैं दिखाने के लिए, वैसे तो आप जाएंगे नहीं, बट मान लीजिए आपकी इंसानियत जाग गई तो चले गए, ठीक है। तो करीबन करीबन 12 से 15,000 तो प्राइवेट में पड़ेगा, और अगर आपकी बहुत जान पहचान है गवर्नमेंट में आप जा रहे हैं तो 2,500 से 3,000 तो लगेगा ही लगेगा। तो महंगा है बट टिकाऊ है, क्योंकि सही रिजल्ट आता है, ठीक है बेटा। बिल्कुल, अब आते हैं नेक्स्ट पे, यहाँ पे कंप्यूटेड टोमोग्राफी यूजेस एक्सरे। जैसे कि मैंने आपको बताया जो सीटी स्कैन है उसमें आप क्या यूज करते हैं, एक्सरे यूज करते हैं, ठीक है। टू जनरेट अ थ्री डिमेंशनल इमेज ऑफ द इंटरनल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सीटी स्कैन में जहां आपको एक्सरे, जो नॉर्मल एक्सरे है उसमें कागज पकड़ा देते काले रंग का, आजकल बहुत कंजूस हो गए, इतना सा कागज देते हैं वहीं स्टेपल करके, देख लो उनका पहले नहीं दिखता था अब तो क्या खाक दिखेगा, ठीक है। और एमआरआई सीटी स्कैन में क्या एक्सरे यूज करें, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 3D इमेज मिल रही है। कौन सी इमेज मिल रही है, 3D। ये नोट्स बना लो, मैं अपने लिए नहीं बना रही, मेरे को नीट में नहीं बैठना, ठीक है। एमआरआई यूजेस स्ट्रॉन्ग, एज आई सेड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन टू एक्यूरेटली डिटेक्ट पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द लिविंग टिश्यू। यानी कि यहाँ पे आप पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल दोनों चेंजेस चेक कर पा रहे हैं किसमें, एमआरआई में। अगर एक सेल ग्लूकोज ज्यादा यूज कर रहा है तो कौन सी टेक्निक यूज करेंगे आप, एमआरआई, ठीक है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं, एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन आर ऑल्सो यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ सर्टेन कैंसर। तो यानी कि हम एंटीबॉडीज को भी यूज कर सकते हैं टू डिटेक्ट द कैंसर। टेक्निक्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी PCR, कौन सी PCR कैन बी यूज अप्लाई टू डिटेक्ट जीन्स इन इंडिविजुअल विथ इनहेरिटेड ससेप्टेबिलिटी टू सर्टेन कैंसर। चलिए अब इसकी स्टोरी बताएंगे आपको, बहुत बड़े एग्जाम्पल बताएंगे। यस, चलिए देखो बेटा होता क्या है, मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है। मान लीजिए कि एक फैमिली है, वहां पे हर एक उसमें हर एक जनरेशन में कुछ लोग की डेथ कैंसर से होती है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो जनरेशन, वो कह रही है यार सबकी, पांच जनरेशन से हम देख रहे हैं कैंसर से डेथ हो रही है। तो यानी कि हमारी जो जनरेशन है, हमारी जो प्रोजेनी है, उसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो यानी कि उसको शक है अपने ऊपर, है ना। तो अब वो ससेप्टेबिलिटी टेस्ट करा सकता है कि भाई मुझे कितने चांसेस है कैंसर होने के। तो इस तरीके से वो अपने आप को बचा सकता है अर्ली स्टेजेस में। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सच जीन्स विच प्रीडिस्पोज अ इंडिविजुअल टू सर्टेन कैंसर मे बी वेरी हेल्पफुल इन प्रिवेंशन ऑफ कैंसर। तो यानी कि अगर उस इंसान को आगाह कर दिया जाए, जैसे हम तुम्हें आगाह कर देते हैं, है ना, कि NCERT के अलावा कुछ मत पढ़ना, भटकना मत, सीधा चलना, है ना। तो हमने आगाह कर दिया तुम्हें, ऐसे हम इनको भी आगाह कर देते हैं, ठीक है। सच इंडिविजुअल्स मे बी एडवाइज टू अवॉइड एक्सपोजर टू पर्टिकुलर कार्सिनोजन टू विच दे आर ससेप्टेबल, एग्जाम्पल टोबैको स्मोक इन केस ऑफ लंग कैंसर। अभी देखो धुआं पिएंगे तो धुआं धुआं हो जाएगा शरीर, तो धुएं से दूर रहना बेटा, बाकी जाले चलो कुछ भी हो। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कैंसर का ट्रीटमेंट। चलिए देखते बेटा, द कॉमन अप्रोचेस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर आर सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी। तीन चीजों से हम इलाज कर सकते हैं, सर्जरी यानी स्कैल्पल लेकर चीरा लगा दो सीधा, रेडिएशन थेरेपी धुआं धुआं रेडिएशन कर दो, ठीक है, या इम्यूनोथेरेपी। ये मैंने पहले भी बताया था, जो बच्चे रेगुलर लेक्चर्स देख रहे पूरे पूरे वो कहेंगे यस मैम ये हमने देखा हुआ है। इन रेडियोथेरेपी ट्यूमर सेल्स आर इरेडिएटेड। यहां से क्वेश्चन आया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे, तुम लोग की अंग्रेजी कमजोर है। देखिए इन रेडियोथेरेपी, कौन सी थेरेपी, रेडियोथेरेपी, ठीक है, ट्यूमर सेल्स आर इरेडिएटेड, मतलब ट्यूमर सेल है उनके ऊपर रेडिएशन फेंक रहे हैं, इसको बोलते हैं इरेडिएटेड, ठीक है। लीथली, यही लाइन थी एनटीए की मॉक टेस्ट पेपर में, ठीक है, यस बिल्कुल। ये देखिए लीथली, तो यानी कि अपन की बॉडी में मान लीजिए यहां कैंसर दिख रहा है,
यहां पे बिल्कुल बारीक तरीके से यहां पे रेडिएशन फेंकेंगे और इनको मार डालेंगे, मरो 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 मरो, ठीक है। इसको कहेंगे रेडियोथेरेपी, टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ द नॉर्मल टिश्यू। बट यहां पे खतरा है मेरे बच्चों, यस यहां पे खतरा है, क्योंकि आप नॉर्मल सेल्स भी इस चक्कर में मार सकते हैं जो ट्यूमर सेल के पास है, तो खतरा है। बट वही है ना बेटा, रिस्क है तो ही तो रिस्क है मेरे बच्चों, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने कैंसरस सेल को क्या किया बेटा, रेडियोथेरेपी में आपने रेडिएशन फेंकी है, रेडिएशन से आपने ट्यूमर सेल्स को मारा है। बट खतरा किस बात का है कि रेडिएशन समटाइम कैन किल योर नॉर्मल टिश्यू ऑल्सो, ठीक है। चलिए आते हैं कीमोथेरेपी पे, आ रहे हैं किस पे आ रहे हैं बेटा, कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी ड्रग्स, अब ड्रग्स का नाम हम वहां पे लिख रहे हैं, सब बच्चे ऐड करेंगे अपनी एनसीईआरटी में। टैक्सोल एक ड्रग है, ठीक है, क्या है, टैक्सोल एक ड्रग है जो किससे निकालते हैं, टैक्सस बकाटा से, ठीक है। ये एक तरह का जिम्नोस्पर्म है, ठीक है, एक जिम्नोस्पर्म है टैक्सोल। दूसरी हम क्या ले रहे हैं यहां पे, जो विंका रोजिया, विंका रोजिया से हम ले रहे हैं, कौन सी ड्रग है बेटा, विनब्लास्टिन, कौन सी बेटा, विनब्लास्टिन, बिल्कुल सही लिख रहे हैं बच्चे, विनब्लास्टिन। विंका रोजिया को हम कैथरेंथस रोजियस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कैथरेंथस रोजियस, ठीक है, यस बिल्कुल। क्रिकी ओके बेटा, कौन ब्लॉक कर रहा है बेटा, इतने सारे बच्चे आते, इतनी तेज चैट चलते कि आजकल हम ये भस्म करने का खेल बंद कर दिए हैं, इतना इतना बच्चा रहता है। देखो आज चौथा लेक्चर है इस टॉपिक का, बच्चे देख रहे हो कॉन्स्टेंट है, आप अपना जुनून देखो, मेरे को ये सब देखने का बिल्कुल मन नहीं करता। मैं उन बच्चों को देखती हूँ वहां पे जो दिख रहे हैं 1785 स्टूडेंट्स, उनको देख रही हूँ मैं जो 1800 हो रहे हैं, मेरा ध्यान सिर्फ उन पे है, क्यों वो क्लास लेने आए हैं, इनको देख के मुझे क्या मिलेगा, वो मेरे को रिजल्ट नहीं देने वाले, मेरे को वो बच्चे रिजल्ट देने वाले वहां पे जो दिख रहे हैं 1806, वो है मेरे बच्चे। मेरा टारगेट सिर्फ वही है, ठीक है, आपको भी बस उतना फोकस रखना अपनी जिंदगी में, याद रखना मेरे वो बच्चे जो मुझे रिजल्ट देंगे डेली आते हैं, वो उनके लिए मैं भी आती हूँ, बस वही है मेरे बच्चे, इतने ज्यादा कोई अपन को लेना देना नहीं है दुनिया से। चलो आओ आगे चलते हैं। नाउ सेवरल कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स वहां पे मैंने लिख दिए, जो क्वेश्चन आ सकता है मैक्सिमम, ठीक है। नाउ आर यूज टू किल कैंसरस सेल्स, यानी कि हम इंसान को दवाइयां दे रहे हैं जो कैंसर सेल्स को मारेंगी। बट होता क्या है बेटा, कई बार आपके नॉर्मल सेल्स भी मर जाते हैं, एंड द बेसिक यू नो सिम्टम इज द हेयर फॉल। आपने देखा होगा अक्सर कीमोथेरेपी जिन पेशेंट्स के साथ होता है उनका हेयर फॉल होना बहुत स्पीडली शुरू होता है, क्योंकि बॉडी सारे नेट सेल डिविजन्स को इनहिबिट करना शुरू कर देती है, ठीक है मेरे बच्चों। यस नाउ सम ऑफ दीज आर स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर ट्यूमर्स, कुछ स्पेसिफिक है पर्टिकुलर ट्यूमर्स के लिए। मेजोरिटी ऑफ ड्रग्स हैव साइड इफेक्ट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया साइड इफेक्ट्स होते हैं, द मेजर साइड इफेक्ट इज हेयर लॉस, अनिमिया यानी कि आप में ब्लड की कमी हो जाएगी, इससे वो थोड़े से पेल यानी कि पीले रंग के भी दिखने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। मोस्ट कैंसर्स आर ट्रीटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी, यानी कि आप एक शॉर्टकट इलाज नहीं है, कई बार डॉक्टर्स को सर्जरी भी करनी पड़ती है, रेडियोथेरेपी भी करनी पड़ती है, कीमोथेरेपी भी करनी पड़ती है, डिपेंड करता है कौन से स्टेज का कैंसर है। स्टेज ऑफ कैंसर कितने हैं, पांच, कितने बच्चों, पांच, जीरो से लेके फोर तक, जीरो से लेके फोर तक इसकी स्टेजेस है। जीरो स्टेज क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका बट अभी तक कैंसर नहीं बना है, बहुत कम लोगों में यहां पे डिटेक्शन होता है, ठीक है। बाकी फोर तक तो आप समझ रहे हैं हाईली मेलिग्नेंट हो चुका है, पूरी बॉडी में फैल चुका है, बचाना थोड़ा मुश्किल हो चुका है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पे आते हैं, ट्यूमर सेल्स हैव बीन शोन टू अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय इम्यून सिस्टम। तो बेटा आप ये समझिए कि ट्यूमर सेल्स जो है वो आपकी बॉडी के ही सेल्स हैं, है ना, आप ही के बॉडी के सेल्स हैं, वो बढ़ रहे हैं तो इम्यून सिस्टम कैसे पहचानेगा। इम्यून सिस्टम बस पहचानते हैं कि कौन बाहर का है, कौन बाहर वाली, कौन घर वाली है, बट घर वाली ही बहुत सारी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है भाई, उसे तो बस ये बताना है कि ये बाहर वाली है घर वाली है सारी बस। तो यहां पर इम्यून सिस्टम में इनको पहचान नहीं पाते क्योंकि आपके बॉडी के ही सेल्स हैं, ठीक। Now therefore the patient are given substances called biological response modifiers such as alpha interferons. तो जो alpha interferons हम देते हैं कि immune system चलो जागो
घर वालियों का नंबर बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है, विच एक्टिवेट देयर इम्यून सिस्टम एंड हेल्प्स इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर। तो यहाँ पे आपको इम्यून सिस्टम को जगाना पड़ता है, और जगाने के लिए बेटा आप क्या यूज करते हैं, यू यूज हियर अल्फा इंटरफेरॉन। समझ में आया नहीं आया एक बार चैट बॉक्स में बता दो, क्या कैंसर का टॉपिक पूरा क्लियर है? प्रॉपर्टीज करा दी, टाइप्स बता दिए, कार्सिनोजेंस करा दिए, ट्रीटमेंट बता दिया, डायग्नोसिस बता दिया। अब मेरे ख्याल से कोई भी ऐसी गड़बड़ नहीं करोगे तुम कि यू एंड अप लूजिंग योर मार्क्स। मार्क्स नहीं खोने हैं बस, द फंडा बिहाइंड हाईलाइट सीरीज इज कि मार्क्स नहीं जाने चाहिए हाथों से, खींच लाना छोड़ना मत बस। अब हम आपका फेवरेट टॉपिक पे आ रहे हैं, खुश तो बहुत होंगे हैं, खुश तो बहुत होंगे। चलिए गला साफ कर लेते थोड़ा सा। चले ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज, ठीक है, ड्रग्स आप समझते हैं, दवाइयों को भी कहते हैं, हाँ बड़ा हंस रहा है नालायक, अल्कोहल मदिरा को कहते हैं, ठीक है, मंदिरा नहीं बोल रहे, मदिरा बोल रहे हैं। आते हैं सर्वेज एंड स्टैटिस्टिक्स शो That use of drugs and alcohol has been on the rise, especially among the youth. यानी हमारे यहाँ के देश के जवानों के बीच में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है ड्रग और एल्कोहल। यानी आप मदिरा के पीछे भाग रहे हैं, ना कि अपने नीट एग्जाम के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है, यस, यही ये लाइन कहना चाहती है। दिस इज रियली अ कॉज ऑफ कंसर्न, अब ऐसे करेंगे कॉज ऑफ कंसर्न, ठीक है, एंड दैट कुड रिजल्ट इन मेनी हार्मफुल इफेक्ट्स। हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं, प्रॉपर एजुकेशन and guidance would enable you to safeguard themselves against these dangerous behavior pattern and follow healthy lifestyle. यानी आपको proper educate कौन करेगा? जी स्वयं। ये सब चीजें गलत है, ठीक है, ये सब चीजें गलत है, मैंने educate कर दिया, मैंने अपना फर्ज निभा दिया है, ठीक है, जनहित में जारी। The drug which are commonly abused are opioids. Opioids, analgesics, यहीं पे लिखेंगे सब नालायक। Analgesics, analgesics कौन होते हैं? दर्द दिलों के कम हो जाते जब वो मेरी हो जाती, ठीक है, यस बेटा, अब आप समझ रहे ना, एनर्जेसिक्स आर पेन किलर्स। क्या होते हैं मेरे बच्चों एनर्जेसिक्स? पेन किलर्स। यहीं पे लिख लो छोटी छोटी चीजें जैसे कि आपको लंबे टाइम तक याद रहे, कैनाबिनॉइड्स है ना, यस, कैनाबिनॉइड्स क्या होते हैं बेटा? दूसरी दुनिया में जो ले जाए बैठे बैठे, यस, ये कौन से होते बेटा? हेलुसिनोजेंस। कौन से होते बेटा? हेलुसिनोजन। एक तरफा इश्क है ये बच्चों, ठीक है, एक तरफा इश्क को कहते हैं हेलुसिनोजन। अब आते हैं नेक्स्ट, कोका अल्कलॉइड्स। कोका अल्कलॉइड्स कौन से होते हैं? स्टिमुलेंट्स, एनर्जीज देते हैं। क्या देते हैं बेटा? एनर्जी, यानी कि ये है स्टिमुलेंट्स। क्या है बेटा? ये स्टिमुलेंट्स है, एनर्जी दे रहे हैं, काम करने की ऊर्जा दे रहे हैं, समझ रहे बेटा? बिल्कुल। मेजॉरिटी ऑफ दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि सबके सब एंजियोस्पर्म्स है। क्या है ये? सबके सब एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। सम आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंजी, कुछ कुछ फंजी से भी ऑब्टेन किए जा रहे हैं, ठीक है, चलो इसका अभी लिखेंगे हम, बट सारे एग्जाम्पल लिखेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं। ओपियोइड्स पे आ रहे हैं, चलिए पहले कैटेगरी पढ़ेंगे ओपियोइड्स। आजा भरत, भरत को पकड़ो पहले इस वाले टॉपिक पे। ओपियोइड्स आर द ड्रग्स, ओ माय गॉड, देखो ऊपर एनसीईआरटी लिखे ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज, और यहाँ पे देखो ओपियोइड्स आर द ड्रग्स, ठीक है, विच बाइंड टू स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर प्रेजेंट इन आवर सीएनएस एंड गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक। अब यहाँ पे आपको दो चीज समझनी है कि जितना भी दर्द है वो दो तरफा दर्द है, या तो वो सर में होता है या पेट में होता है। देखो होता क्या है, मान लीजिए आपने काले चने खा लिए, काले चने सब समझ रहे हैं, जो कंजक वाले दिन मिलते हैं हलवे के साथ, चार चार मिलते हैं गिन के, ठीक है। अगर आपने काले चने की सब्जी खा ली, बनारस वाले अच्छे से समझेंगे, वहां पे हर मैच में सुबह काले चने मिलते हैं, काले चने खा लो गैस बन जाएगी और गैस सर पे चढ़ जाएगी, गैस को कोई रोक सकता है? ठीक है, निकल गए तो बहुत ही बढ़िया, तुम्हारी किस्मत है, नहीं हुई तो सर पे चढ़ जाएगी। तो आपको ये चीज समझनी है यहां से कि आपके पास दो तरह के ओपियोइड रिसेप्टर जो दो जगह होते हैं जहां पे सबसे ज्यादा पेन होता है, एक तो पेट में और एक सर में, ठीक है। जैसे कि कई बार मैंने बच्चों की एप्लीकेशन देखी है, उसमें आकाश सॉरी इंस्टीट्यूट में बेटा इंस्टीट्यूट में एप्लीकेशन लिखते थे टीचर को, आई एम हैविंग सीवियर स्टमक एक, ठीक है, या आई एम हैविंग वेरी बैड पेन इन माई हेड,
हेडेक हो रहा है मुझे, ठीक है, ऐसे एप्लीकेशन लिखते थे। तो आपको समझना होगा सिर्फ दो ही ठो बहाने हैं और दो ही ठो जगह सबसे ज्यादा आपके पेन रिसेप्टर हैं, एक है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक में और दूसरा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और इन रिसेप्टर्स को क्या कहते हैं बेटा, ओपियोइड रिसेप्टर कहते हैं। कौन से रिसेप्टर है? ओपियोइड रिसेप्टर, ठीक है बच्चों, बिल्कुल। हीरोइन हीरोइन समझ रहे हैं ना, चलिए हीरोइन तो सब जानते ही होंगे, हीरोइन सबसे महंगा धातु है, समझने की जरूरत है आपको, ठीक है। मैम काले चने क्या है? देखो छोला बड़ा है, काला चना छोटा है, बड़ा छोला काबुली होता है जो सफेद होता है, काला चना काला होता है, बस हो गया। चलो आओ हीरोइन की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो इसकी इंफॉर्मेशन लिखेंगे इसके बारे में। सबसे कॉस्टलीएस्ट, कॉस्टलीएस्ट महंगा है भाई, बहुत महंगा है, ठीक है। हीरोइन कॉमनली कॉल्ड स्मैक इज केमिकली डाई एसिटाइल मॉर्फिन। इस पे क्वेश्चन आ चुका है नीट एग्जाम में कि जो हीरोइन है वो क्या है। हीरोइन एक तरह का डाई एसिटाइल मॉर्फिन है। नीट वाले इसमें बस कंफ्यूज करने के लिए आपको ऑप्शन बनाएंगे डाई मिथाइल मॉर्फिन। आप याद रखना एम और एम कभी साथ नहीं होंगे, डाई एसिटाइल मॉर्फिन रहेगा, ठीक है बच्चों। विच इज द व्हाइट, बता रहे हैं सफेद रंग का, बिल्कुल नमक की तरह है, ऑर्डरलेस, खुशबू कुछ नहीं आएगी, ठीक है, बिल्कुल बिटर, कड़वा लगेगा, ठीक है। क्रिस्टलाइन कंपाउंड, यानी कि छोटा छोटा सफेद जैसा दाना दिखेगा, ठीक है, बिल्कुल उसे हम कहेंगे हीरोइन। हीरोइन को स्मैक कहते हैं, स्मैक को बेसिकली पुअर मैन हीरोइन कहते हैं, इसको हम लिखेंगे यहां पे पुअर मैन हीरोइन। अब आप कहेंगे मैम ये क्या है? बेटा जो ओरिजिनल हीरोइन है वो बहुत महंगा आता है, ठीक है, उसको और केमिकली मॉडिफाई करके सस्ता कर देते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं स्मैक, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में, दिस इज ऑब्टेन्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। डाई एसिटाइल लिखा है तो मतलब एसिटाइलेशन ही हुआ होगा ना। एनसीईआरटी तुम्हें कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है, देखो बार बार एक ही चीज बता रही है, डाई एसिटाइल एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, ठीक है, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स। लेटेक्स क्या होता है? गम्स। लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट पैपेवर सोमनीफेरम। तो जितना भी मॉर्फिन है वो कहां से ऑब्टेन किया जाता है? पॉपी प्लांट यानी पैपेवर सोमनीफेरम। इसकी फोटो देखिए कितना सुंदर पेड़ है, ये आपको करना है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और यहां पे देखिए ओपियम यानी पॉपी, कितना सुंदर पेड़ है। अब याद रखना इसमें एक जो कली है वो झुकी हुई है, ये देखिए ये वाली कली झुकी हुई है, याद रखना, ठीक है। चलिए अब यहां पर हो गया पैपेवर सोमनीफेरम, अब ये लेते क्यों है? Why do we intake opioids? इसका रीजन देखते बेटा, जनरली टेकन बाय स्नॉटिंग। स्नॉटिंग क्या होता है बता देते हैं हम आपको, ये देखिए विजुअलाइज कराएंगे, रुकिए विजुअलाइज कराएंगे इसको भी आज तुम्हें, तो बढ़िया से ये पूरा विजुअलाइज कराएंगे, कोई बच्चा कुछ नहीं रटेगा, ठीक है। बस हमें डर लगता है कि गूगल कुछ उल्टी सीधी फोटो ना लगा दे। ये देखिए दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्नॉटिंग, जब आप यहां पे ऐसे ले रहे हैं, ठीक है, यहां पे दिस इस प्रोसेस को स्नॉटिंग कहते हैं, देख रहे हैं आप। ये तो कुछ अलग ही टाइक्वांडो कर रही है, इसका तो पता नहीं है, तो वैसलीन ले लिया नालायक इनकी। चलो इसको हम क्या कहते हैं बेटा? स्नॉटिंग कहते हैं। आपको समझना होगा एक एक टर्म। एंड इंजेक्शन, इंजेक्शन तो आप समझ होंगे, टीका कहते हैं इसको हिंदी में, ठीक है, बिल्कुल। नाउ हीरोइन इज अ डिप्रेसेंट एंड स्लोस डाउन बॉडी फंक्शनिंग। तो हीरोइन का काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हीरोइन? तो यहां पे आप लिखेंगे दीज आर एंटी डिप्रेसेंट प्लस दे आर एनर्जेसिक्स पेन किलर्स, ठीक है, यस, नहीं डिप्रेसेंट है ये, सॉरी ये गलत लिख दिया, ये हटा देते हैं बस। चलिए ये वाला हो गया, अब आते हैं नेक्स्ट कैनाबिनॉइड्स पे, एक ध्यान में रखना बेटा, ठीक है, बिल्कुल। अब ध्यान में देखेंगे सब, आ जाइए यहाँ पे कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स के बारे में हमने आपको बताया था, ये क्या होते हैं? हेलोसिनोजेंस, ठीक है, आर अ ग्रुप ऑफ केमिकल्स विच इंटरैक्ट विद कैनाबिनॉइड रिसेप्टर। कौन से रिसेप्टर? कैनाबिनॉइड रिसेप्टर, उसके रिसेप्टर का नाम क्या था? ओपियोइड रिसेप्टर, ठीक है। प्रेजेंट प्रिंसिपली इन द ब्रेन, ये सिर्फ और सिर्फ कहां पे? ब्रेन में है, क्योंकि जितने भी सोचने की क्षमता है वो केवल आपके दिमाग में होती है, ठीक है, yes, क्या होती है? आपके दिमाग में होती है, ठीक है, yes। अब देखते हैं यहां पे नेचुरल कैनाबिनॉइड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इनफ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट कैनबिस सटाइवा। कहां से ऑब्टेन किया जाता है? इनफ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट कैनबिस सटाइवा। द फ्लावर टॉप, यहां पे आप देख सकते हैं कैनबिस की पत्ती दी है बस, ठीक है। द फ्लावर टॉप लीव एंड द रेजिन ऑफ कैनबिस प्लांट आर यूज्ड इन वेरियस कॉम्बिनेशन टू प्रोड्यूस मैरिजुआना। मैरिजुआना बन सकता है या हशीश बन सकता है,
चरस बन सकती है या गांजा बन सकता है, जिसे हम अंग्रेजी में वीड कहते हैं। ठीक है बेटा, जनरली टेकन बाय इनहेलेशन, यानी वही स्नॉटिंग से आप ले सकते हैं, या फिर ओरल इंजेशन। These are known for the effects on cardiovascular system of the body. चलिए बेटा अब इसके बारे में कुछ हम और इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे। कार्डियोवैस्कुलर बॉडी पे क्या करता है ये? बेसिकली कैनबिस को लेने के बाद आपका पूरा बॉडी ठंडा पड़ जाता है, यू टेन टू फील रिलैक्स मेडिटेटेड। जैसे कि लोग क्यों लेते हैं, मैं आपको बताती हूँ बेटा, यू शुड नो ऑल दिस वाई, बिकॉज यू नीड टू प्रिवेंट यूर सेल्फ इन फ्यूचर। होता क्या है जिंदगी में, कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। ठीक है, कोई यहां से कुछ बोल रहा है, कुछ यहां से कोई कुछ बोल रहा है, यहां से आपको कोई कुछ बोल रहा है, यहां से कोई कुछ बोल रहा है, आप कहते सब बोल रहे हैं, सुन कोई नहीं रहा। ठीक है, तो आप सोचते कि मेरे को यू नो एस्केप गोट चाहिए। ठीक है, मुझे यहां से निकलना है, निकल तो पा नहीं रहे, तो कई बार लोग कैनबिस की तरफ मूव कर जाते हैं। एंड व्हेन पीपल टेक कैनबिस दे टेंड टू फॉरगेट एवरीथिंग। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा लोग झूम रहे हैं, ऐसा वाला हाल हो जाता है। उस टाइम आपकी सोच के दायरे कम हो जाते हैं, आपको सोच नहीं पा रहे आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। ठीक है, आप अपने दुश्मन को बोलते हैं, आ भाई आ, बैठ इधर, खा मेरे साथ खाना। ठीक है, तो ये सब चीज हो जाती है। दैट्स व्हाई पीपल यूज देम एज एस्केप गोट। बट टेल मी वन थिंग, कब तक चलेगा जलजला? आज, कल, परसों, तरसों, उसके बाद तो फेस करना ही है ना। सो एवरीबडी शुड नो दैट वन डे यू हैव टू फेस अ रियलिटी चेक। ठीक है, तो यही चीज है, दे टेंड टू कीप यू डाउन, टेंड टू मेक यू यू नो फील गुड, टेंड टू मेक यू फील हैप्पी। यस, इसको खाने के बाद भूख बहुत लगती है लोगों को। ठीक है, भूख इतनी लगेगी कि तीन चार मुर्गा खा जाएंगे। ठीक है, दो चार ठो पैकेट भुजिया के खा जाएंगे, अगर मीठा मिल गया तो उसे अच्छे से निपटा देंगे। तो दिस इज व्हाट हैपन। भांग भी एक तरह का कैनबिस है। ठीक है, भांग पीने के बाद लोग खा ही जा रहे, रोक ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट हैपन्स इन केस ऑफ कैनबिनॉइड्स। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, हम कोका एल्केलॉइड्स पर। यहाँ पे देखिए एक ठो फूल है, ये आपका कोका एल्केलॉइड है। आइए अब इसको समझते हैं। आज चले कोका एल्केलॉइड्स और कोकेन। कोकेन को कोक भी बोलते हैं, क्रैक भी बोलते हैं, लिख लीजिए। इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोका प्लांट एरिथ्रोजाइलम कोका, नेटिव टू साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में मिलेगा, यानी कि मेक्सिको, अर्जेंटीना, यहां पे सब मिलेगा बढ़िया तरीके से। ठीक है, इट इंटरफेस विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन, क्योंकि डोपामिन टेंड्स टू स्लो डाउन योर बॉडी। ठीक है, तो जब भी आपके बॉडी में डोपामिन निकलता है तो आप हैप्पी फील करते हैं, आप रिलैक्स फील करते हैं। अगर आप रिलैक्स फील करें तो आप पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या करना है, आपको ब्लैक कॉफी पिलानी है। आपको यस, अब मैं रिलैक्स नहीं हूं, तो आप मरने बैठ जाएंगे। तो दैट इज द थिंग, डोपामिन को निकलने नहीं देगा, वो नहीं निकलेगा तो आपकी बॉडी एनर्जेटिक फील करेगी। कैसा फील करेगी बेटा? एनर्जेटिक फील करेगी। ठीक है, सो ये भी स्नॉट किया जाता है। इट हैज अ पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी CNS दिमाग को कहता है जागे रहे मेरे भाई। ठीक है, जागा रहे मेरे भाई। प्रोड्यूसिंग अ सेंस ऑफ यूफोरिया, कैसा प्रोड्यूस कर रहा है? सेंस ऑफ यूफोरिया, जरा सा झूम लूं मैं, अरे ना रे ना रे ना। ठीक है, ऐसा वाला। एंड इंक्रीज्ड एनर्जी। ठीक है, ये बेटा मैं आपको बताती हूँ क्या होती है। कॉफी पी ली, तैयार हो गए। अब होता क्या है, लड़कियों को बोल दो, जैसे कि मान लो उज्जवल ने बोल दिया किसको, शिवानी को, कि आज सब पार्टी कर रहे हैं, तैयार हो जाइयो। ठीक है, हाँ ज्यादा मेकअप मत करियो, ड्रामी लगेगी। तो शिवानी ने कहा, उज्जवल ऐसे ही बोल रहा है, शिवानी तैयार हो गई बिल्कुल बढ़िया से। उसी टाइम जैसे ही शिवानी डेढ़ दो घंटे लगाई, बढ़िया से तैयार हुई। ठीक है, बाल बाल भी बिल्कुल प्रेस व्रेस कर लिए हैं। फिर एकदम से कॉल आ गया, किसका? उज्जवल का। उज्जवल कहता है प्लान कैंसिल हो गया यार, सब घर में ही करेंगे। यस, अपने अपने घर बैठे लॉकडाउन हो गया। उसी टाइम हमारी शिवानी गई, उसने कॉफी बनाई, उसके बाद जो उसने किया वो तो आप सब जानते ही है। ठीक है, तो यहाँ पे इंक्रीज एनर्जी, तो एनर्जी अगर बढ़ानी है बेटा तो आपने कॉफी पीनी है। सो बेस्ट थिंग यू कैन डू इज हैव अ कप ऑफ कॉफी। ठीक है, चलिए बेटा सब मैम के साथ पानी पियेंगे। कम ऑन बच्चों, लेट्स ड्रिंक वाटर। चलो आ जाओ। एक्सेसिव डोसेज ऑफ कोकेन,
अगर कोकेन की ज्यादा डोज ले ली जाए तो भी हेलुसिनेशन हो जाता है। इतनी एनर्जी हो रही है, समझ ही नहीं आ रहा क्या करे जीवन में, है ना, इतनी एनर्जी हो चुकी है समझ ही नहीं आ रहा जीवन में क्या करें। अदर वेल नोन प्लांट्स विद हेलुसिनोजिक प्रॉपर्टीज आर एट्रोपा बेलेडोना एंड धतूरा। ठीक है, धतूरा भी है और ये बेलेडोना भी है। These days cannabinoids are also being abused by some sports person. Sports person क्यों लेते हैं cannabinoids? Anybody who can tell me the answer in the chat section? 2000 कर दो यार, आज 2000 कर दो, आज 2000 कर दो। तुम्हारा favorite topic चल रहा है, चार दिन से तुम्हारी तपस्या आज complete हो रही है, योगी कंटिका ले रहे हैं। क्यों sports person लेते हैं? क्योंकि वो हार बर्दाश्त नहीं कर पाते। गए आप, ठीक है, आप मान लीजिए यहाँ पे प्रेरणा है, प्रेरणा का मुकाबला डेजी से है, डेजी जीत गई क्योंकि वो डेजी है, प्रेरणा हार गई, प्रेरणा को कुछ समझ नहीं आ रहा, वो कह रही है नहीं मैं बेटर थी उससे, ठीक है, तो ऐसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही है, तो वो कहेगी ला दो मुझे गांजा, ठीक है, तो वहीं पे उसे चपेट पड़ जाएंगे। तो यही चीज है बेटा, यहाँ पे जब बर्दाश्त नहीं हो पाता तो लोग एस्केप गोट, समझ रहे हैं ना, बहुत भारी अंग्रेजी शब्द है। ड्रग्स लाइक बार्बिट्यूरेट्स, amphetamines, benzodiazepines and other similar drugs that are normally used as medicine to help patients cope with mental illness like depression and insomnia are often abused. Insomnia ka matlab likhenge neend na aana, hai na, neend na aaye, oye hoye, theek hai, neend na aana is called as insomnia, likh lena. Ab wo keh raha hai jin logo ko neend nahi aati hai, kyon nahi aati hai to tum jano, mere ko kya pata, ठीक है, या फिर डिप्रेशन, पता नहीं किस बात का डिप्रेशन है, हम तुम्हारे साथ हैं यार फिर भी डिप्रेशन, ठीक है, अगर यहां पे ये दोनों चीजें हैं तो ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर्स यूज करते हैं बार्बिट्यूरेट्स, एम्फेटामिन्स, बेंजोडाइजेपिन। और बेंजोडाइजेपिन मार्केट में सेल होता है इन द नेम ऑफ वेलियम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो बेंजोडाइजेपिन मार्केट में जिस नाम से सेल होता है उसका नाम क्या है, वेलियम, ठीक है। Now, morphine is a very effective sedative. Sedative क्या है? बेहोश कर देने वाला, ठीक है, चलिए sedative, नशा, नशीला पदार्थ, नशीला, रसीला नहीं लिखे, नशीला लिखे, नशीला रसायन, sedative का मतलब, ठीक है। morphine क्या, एक रसीला, सॉरी नशीला रसायन है जिसे खाते आपको नींद महसूस होती है, कैसी महसूस होती है बेटा, नींद महसूस होती है, ठीक है, बिल्कुल। पेन किलर, एनर्जेटिक है, ठीक है, एंड इज वेरी यूजफुल इन पेशेंट हु हैव अंडरगॉन सर्जरी। तो जिन लोगों को सर्जरी हुई है उनको अक्सर दर्द होता है, उनके दर्द हटाने के लिए हम मॉर्फिन दे देते हैं। सेवरल प्लांट्स, फ्रूट एंड सीड्स हैविंग हेलुसिनोजिक प्रॉपर्टीज हैव बीन यूज्ड फॉर हंड्रेड ऑफ इयर्स इन फोक medicine, religious ceremony, rituals all over the globe. When these are taken for a purpose other than medicinal use or in amount frequently impairs one physical, physiological and psychological functioning. तो बेटा देखो, अगर कम मात्रा में लोगे तो बेटर है, मेडिसिन फॉर्म में, दैट्स इट, ठीक है, बाकी नहीं, बाकी नहीं लेना, ठीक है, यस। चलिए अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं, दिस पैराग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हम आपको बताएंगे अबाउट स्मोकिंग, ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, यहाँ पे आप आइए सब देखिए। मैम राइट इन इंग्लिश, मैम ओके त्रिनेश, आई एम सो सॉरी बेटा, मैम की इंग्लिश कमजोर है बेटा, आई नो देयर आर लॉट ऑफ साउथ इंडियन स्टूडेंट्स, एक जमाना था जब मैम की इंग्लिश अच्छी थी, पर इन नालायकों ने मैम की इंग्लिश बिगाड़ दी, हिंदी 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 करके, यस इंग्लिश में पढ़ाती थी सब चले जाते, कहते क्या बोल गई, ऐसे करते थे। तो बेटा अब हिंदी इतनी बोल दी कि अब हिंदी ही पढ़ानी आती है, सॉरी बेटा सॉरी। चलो आ जाओ नेक्स्ट आते, स्मोकिंग ऑल्सो पेव्स अ वे टू हार्ट ड्रग्स। टोबैको हैज बीन यूज बाय ह्यूमन बींग्स फॉर मोर देन 400 ईयर्स, यानी ये जो नशा है 400 सालों से अपन के यहां चला आ रहा है, आप समझ रहे हैं, यस, इट इज स्मोक्ड, ठीक है, च्यूड गुटका ऐसे रख लेंगे, ठीक है, एंड यूज एज अ स्नफ, स्नफ मुझे नहीं पता क्या होता है, ठीक है, यस। टोबैको कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग निकोटिन, निकोटिन एक अल्कलॉइड है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट, निकोटिन का नेचर क्या है, इट इज अल्कलॉइड, ठीक है। निकोटिन स्टिमुलेट्स एड्रीनल ग्लैंड, तो यहां पे अब हम पूरा फ्लो चार्ट बनाएंगे, सबको मेरे साथ फ्लो चार्ट बनाना है अपनी एनसीईआरटी में। तो यहां पे सबसे पहले लिखेंगे टोबैको, टोबैको के अंदर है एक अल्कलॉइड और अल्कलॉइड का नाम है निकोटिन, क्या नाम है, निकोटिन,
एक सेकंड, कुछ तो है ना, ये क्या चीज है भाई? अच्छा हाँ, ये है निकोटिन, ठीक है। अब निकोटिन किस पे काम कर रहा है? एड्रीनल ग्लैंड पे। जैसे ही वो एड्रीनल ग्लैंड पे काम करता है, बाहर क्या निकलते हैं आपके इमरजेंसी हॉर्मोन। क्या निकलते हैं बेटा? इमरजेंसी हॉर्मोन। चलिए यहां तक बना लिया, अब आगे पढ़ते फिर बाकी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए आइए, निकोटिन स्टिमुलेट एड्रीनल ग्लैंड टू रिलीज एड्रीनलिन नॉर एड्रेनलिन इनटू ब्लड सर्कुलेशन, बोथ ऑफ विच रेजेस ब्लड प्रेशर इंक्रीज हार्ट रेट। तो यानी कि अब इसके इफेक्ट्स लिखेंगे यहाँ पे, इन इमरजेंसी हार्मोन से क्या क्या हो रहा है बेटा? यस, ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है एंड हार्ट रेट भी बढ़ रहा है। फ्लो चार्ट बना लो इसका भी। स्मोकिंग इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ कैंसर ऑफ लंग्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड थ्रोट, ठीक है, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसिमा, कोरोनरी हार्ट डिजीज, गैस्ट्रिक अल्सर एसेट्रा। तो जो लोग धूम्रपान करते हैं अक्सर उन्हें इन सब चीजों में प्रॉब्लम रहती है। टोबैको च्यूइंग इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर ऑफ ओरल कैविटी। तो यानी आप गुटखा खाएंगे तो ओरल कैविटी का कैंसर होने के चांस ज्यादा रहेंगे, ठीक है। स्मोकिंग इंक्रीज, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, स्मोकिंग क्या कर रहा है? स्मोकिंग इंक्रीज करता है कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट इन ब्लड। तो यानी कि जब स्मोकिंग हो रही है तो स्मोकिंग से कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड में बढ़ रहा है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड किसके साथ जुड़ता है बेटा, जल्दी बताइए। यस यस, जल्दी बताइए। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है और इससे क्या बनता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनता है बेटा इससे? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और अगर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ज्यादा होगा तो आपका ऑक्सीजन डिलीवरी कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ रहा है, रिड्यूसेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हीम बाउंड ऑक्सीजन, दिस कॉजेस ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन द बॉडी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, व्हेन वन बाइस पैकेट ऑफ सिगरेट, कोई भी इंसान अगर पैकेट ऑफ सिगरेट ले रहा है, वी कैन नॉट मिस द स्टैट्यूटरी वार्निंग दैट इज प्रेजेंट ऑन द पैकेजिंग विच वार्न्स अगेंस्ट स्मोकिंग एंड सेज हाउ इट इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो आजकल पूरा फोटो वोटो भी लगाया रहता है, उसके ऊपर लिखा भी होता है स्मोकिंग किल्स, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है। फिर भी लोग खतरा उठाते, क्यों उठाते मुझे भी समझ नहीं आता। येट स्मोकिंग इज वेरी प्रिविलेंट इन सोसाइटी बोथ अमंग यंग एंड द ओल्ड, यानी जवान भी उतना ही ले रहे हैं जितना ओल्ड ले रहे हैं, ठीक है। नोइंग द डेंजर ऑफ स्मोकिंग एंड च्यूइंग टोबैको इट्स एडिक्टिव नेचर, बेसिकली इसका नेचर क्या है बेटा? एडिक्टिव नेचर। आपको ऐसे होता है चाहिए चाहिए, ठीक है, जैसे आप एक घंटा पढ़ेंगे तो ब्रेक चाहिए, ब्रेक चाहिए, वही चीज यहाँ पे भी है, ठीक है। द यूथ एंड द ओल्ड नीड टू अवॉइड दीज हैबिट्स, एनी एडिक्ट रिक्वायर काउंसलिंग एंड मेडिसिनल हेल्प टू गेट रिड ऑफ दिस हैबिट। तो बहुत सारे नशा मुक्ति केंद्र भी खोले सरकार ने, वहां पे भी जा सकते हैं टू गेट रिड ऑफ दिस वेरी डेंजरस हैबिट। एडोलेसेंस एंड ड्रग एल्कोहल अब्यूज, एडोलेसेंस पे आते हैं, क्या होता है एडोलेसेंस, चलिए देखते हैं। अब तो ये रीडिंग वाला पार्ट बचा है, मैं सच बताऊं तो अब चैप्टर रीडिंग वाला है, यहां से क्वेश्चन कम बनते हैं, बट एक पैराग्राफ इसका बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमको जल्दी से करना है। चलिए, एडोलेसेंस मींस बोथ अ पीरियड एंड अ प्रोसेस, ये पीरियड भी है प्रोसेस भी है, ड्यूरिंग विच अ चाइल्ड बिकम्स मैच्योर इन टर्म्स ऑफ हिज और हर एटीट्यूड बिलीफ, ठीक है। द पीरियड बिटवीन 12 टू 18 ईयर्स, कितना है 12 टू 18 ईयर्स ऑफ एज, मे बी अ कनेक्टिंग लिंक और अ ब्रिज बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। Adolescence is accompanied by several biological and behavioral changes. Curiosity, curiosity की अगर बात करें तो curiosity क्या है? अजी ये क्या है? जिज्ञासा। क्या है curiosity का मतलब? जिज्ञासा। अच्छा ये क्या है? हाँ, market में नई game आई है? क्या है? Yes, बिल्कुल। तो यही सब चीजें यहाँ पे, तो देखते हैं यहाँ पे। Curiosity, need for adventure and excitement and experimentation, ठीक है? Constitute common causes which motivate youngster towards drug and alcohol use. A child's natural curiosity motivate him or her to experiment. This is complemented further by effect that might be perceived as benefit of alcohol and drug use. Now, thus the first use of the drug or alcohol may be out of curiosity or experimentation, but later the child start using them as escape facing problems. So, yahan pe jaise ki maine aapko bataya, this is used as escape goat. ठीक है बच्चों, अब ये वाला पैराग्राफ आप पढ़ लेंगे, ये सिर्फ पढ़ने वाला काम है, समझाने वाला काम मैं आपको बता रही हूं, इतना आप पढ़ लेंगे ना बच्चों, कल स्ट्रैटेजीज है। यस, कल स्ट्रैटेजीज वाला है, बिल्कुल कल स्ट्रैटेजीज है। यस बेटा, साइकोट्रॉपिक विच चेंजेस योर साइकोलॉजी,
यस बिकॉज ऑफ द परसीव बेनिफिट एडिक्शन एंड डिपेंडेंस. यहाँ पे ये वाला पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, मैं ये पढ़ा रही हूँ, आप ये खुद पढ़ेंगे ठीक है. नाउ डिपेंडेंस इज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू मैनिफेस्ट अ कैरेक्टरिस्टिक एंड अनप्लेजेंट विड्रॉल सिंड्रोम इफ रेगुलर डोज ऑफ ड्रग और एल्कोहल इज अप्रोप्रिएटली डिसकंटिन्यू. तो क्या है डिपेंडेंसी, क्या है एडिक्शन? जैसे आप वो नशा उससे छीनते हैं तो क्या होता है, विड्रॉल सिम्टम आता है, नॉजिया, उल्टी जैसा फील होगा, शिवरिंग होगी बॉडी में, गुस्सा आएगा. एंड चाइल्ड मे सफर फ्रॉम वॉट, वायलेंस. यस बेटा ठीक है. यस सो दिस इज कैरेक्टराइज बाय एंजाइटी यानी स्ट्रेस, शेकिनेस, हाथ कांपेंगे ऐसे से ठीक है, नॉजिया, स्वेटिंग विच मे बी रिलीव व्हेन यूज इज रिज्यूम्ड अगेन. सो दिस इज कॉल्ड विड्रॉल सिम्टम. ये बहुत जरूरी है. चलिए नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज. चलिए बेटा अब एल्कोहल अब्यूज पे आ रहे हैं फाइनली. ड्रग एंड एल्कोहल क्या करते हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे. बाकी वाला रीडिंग पार्ट था ठीक है, रीडिंग करा दी पूरे चैप्टर की. मैम स्टडी इतना नशा है कोई ड्रग में नहीं दिखाते, नींद आ जाती है. ओ सुगंधा ओ. चलिए बेटा आ जाओ. द इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज आर मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ रेकलेस बिहेवियर, खतरनाक बिहेवियर, वैंडलिज्म, तोड़ फोड़ कर देना ठीक है, एंड वायलेंस. तो जब भी आप देखते हैं इन लोगों से इनकी कोई भी चीज छीनने की कोशिश करो, दे बिकम वेरी रेकलेस ठीक है. एक्सेसिव डोजेस ऑफ ड्रग मे लीड टू कोमा. एक्सेस में अगर ड्रग्स होंगे तो कोमा में जा सकता है पेशेंट, इवन डेथ भी हो सकती है ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर या हार्ट फेलियर या सेरिब्रल हेमरेज यानी कि ब्लीडिंग इन द ब्रेन. बहुत ज्यादा एक्सेस में ब्लीडिंग हो रही है कहां पे, ब्रेन में. अ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग और देयर इनटेक अलोंग विद अल्कोहल जनरली रिजल्ट इन ओवरडोजिंग एंड इवन डेथ. तो यहां पे आप देख सकते हैं अगर ड्रग के साथ अल्कोहल लिया जाए तो इस केस में तो डेथ भी हो जाती है ठीक है. नाउ द मोस्ट कॉमन वार्निंग साइन ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज अमंग यूथ इंक्लूड ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस, यानी कि नंबर अच्छे नहीं आने. देखो हमेशा से नंबर अच्छे नहीं आ रहे, वो अलग है कि बच्चा कुछ और करना चाहता है जीवन में. बट भाई पहले बच्चा 90% ला रहा था, अब वही बच्चा 50% ला रहा है, तो ये तो समझ से बाहर है ना बेटा. तो ये चीज है यहाँ पे ठीक है. अनएक्सप्लेन एबसेंस फ्रॉम स्कूल और कॉलेज. क्यों आप छुट्टी मार रहे हैं? जिस दिन आप लोग छुट्टी मारेंगे मेरे 2000 बच्चे, मैं समझ जाऊंगी ठीक है. लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन, गंदा पंदा रहेंगे, नहाएंगे धोएंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं ठीक है. विड्रॉल, आइसोलेशन, डिप्रेशन, फेटीग, अग्रेसिव एंड रिबेलियस बिहेवियर, डिट्रॉइटिंग रिलेशनशिप विद फैमिली फ्रेंड्स, हर चीज में चेंज आ रहा है कंप्लीट बिहेवियर में ठीक है. नाउ देयर मे बी इवन सम फार रीचिंग इंप्लीकेशन ऑफ ड्रग्स ठीक है. एट टाइम्स अ ड्रग एल्कोहल एडिक्ट बिकम्स कॉज ऑफ मेंटल एंड फाइनेंशियल डिस्ट्रेस टू फैमिली. बेटा आप ये सोचिए कि एक इंसान के कारण ओवरऑल फैमिली में चेंज आ रहा है ठीक है, उसके फाइनेंशियल कंडीशन पे भी और मेंटल कंडीशन पे भी. क्या क्या होता है चलिए देखते हैं, क्या क्या हानिकारक चीजें हो सकती है. लेट्स सी, दोज हु टेक ड्रग्स इंट्रावीनसली यानी यहां पे ठीक है, डायरेक्ट इंजेक्शन इनटू द वेन यूजिंग अ नीडल एंड अ सिरिंज आर मच मोर लाइकली टू एक्वायर एड्स, हेपेटाइटिस बी. यानी जो ड्रग अब्यूजर्स होते हैं बहुत ज्यादा चांसेस है उन्हें एड्स और हेपेटाइटिस बी होने के ठीक है बच्चों. नेक्स्ट, द वायरसेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज डिजीजेस आर ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल एंड सिरिंजेस. वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं ठीक है. द यूज ऑफ एल्कोहल यूजिंग एडोलेसेंट मे हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट, इट कुड बी हैवी ड्रिंकिंग इन एडल्टहुड. द क्रॉनिक यूज ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल causes damage in the nervous system, यानी चल नहीं पाते ढंग से ऐसे. Yes, जरा सा झूम लूं मैं. Yes, ऐसे भी हो सकता है बेटा, lag है, अभी ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा. Net बिल्कुल यहां से सही चल रहा है, अभी ठीक हो जाएगा मेरे बच्चों, अभी ठीक हो जाएगा. Refresh करो. Yes, refresh करो अभी जल्दी से ठीक है. अब देखो नर्वस सिस्टम में हो सकता है लिवर सिरोसिस, लिवर सड़ सकता है. The use of drugs and alcohol during pregnancy is also known to adversely affect the fetus. तो यहाँ पे alcohol अगर pregnancy के समय ले लिया जाए तो बच्चे पे हानिकारक effect हो सकता है. Another misuse of drug is what certain sportsmen do to enhance their performance. They misuse narcotic analgesics.
anabolic steroid, diuretics and certain hormones in sports to increase muscle strength and bulk to promote aggressiveness as a result of increased athletic performance. तो कई बार ये क्या कहते हैं, ये गोलियां खाना शुरू कर देते हैं अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए. ठीक है बच्चों. The side effect of the use of anabolic steroid in females. Female में क्या होता है, अगर female ज्यादा ले रही है बेटा drug, तो masculine, मर्दानापन. ठीक है. Increased aggressiveness, महिला गुस्सेल हो जाएगी. ठीक है बेटा. Mood swings, नहीं खाना तो नहीं खाना, काहे जबरदस्ती कर रहे हैं. ठीक है, ऐसे वाले mood swings. ठीक है. Depression होता होगा. ठीक है. Abnormal menstrual cycle, excessive hair growth on the face and body, enlargement of clitoris, deepening of voice. तो ये सारी चीजें महिला में हो सकती है अगर वो ज्यादा एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स ले रही है. किसके कारण हो रही है, एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स. वहीं पे मेल्स की बात करें तो मेल्स में क्या हो रहा है, एक्ने, छोटा छोटा लाल रंग का दाना आ जाएगा. ठीक है. यस. इंक्रीज अग्रेसिवनेस, वो तो वैसे गुस्सेल होते हैं, है ना, और गुस्सा. मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, रिडक्शन ऑफ द साइज ऑफ टेस्टिकल्स, टेस्टिस का साइज रिड्यूस हो जाएगा. डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन यानी ओलिगोस्पर्मिया. क्या चीज होगा बेटा, ओलिगोस्पर्मिया. ठीक है. पोटेंशियल फॉर किडनी एंड लिवर डिसफंक्शन, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट इन मेल इज कॉल्ड एज गायनेकोमेस्टिया. इसको क्या बोलते हैं मेल्स के केस में, गायनेकोमेस्टिया, गायनेकोमेस्टिया. ठीक है. प्री मेच्योर बॉन्डनेस, एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, दीज इफेक्ट्स मे बी प्री परमानेंट विद प्रोलॉन्ग यूज इन द एडोलेसेंट मेल और फीमेल, सीवियर फेशियल एंड बॉडी एक्ने एंड प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ द ग्रोथ सेंटर. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं खतरनाक इफेक्ट्स है बेटा मेल पे भी और फीमेल्स पे भी अगर वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स ले रहे हैं. प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, बेटा देखो प्रिवेंशन कंट्रोल पैराग्राफ है, रीडिंग लगानी है, क्वेश्चन नहीं आता इससे. ठीक है, देख सकते हैं. अवॉइड अनडू पीयर प्रेशर, किसी से भी इतनी आशाएं. तो बेटा मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा रूल बताती हूँ, ये रूल आपको बहुत जिंदगी में हेल्प करने वाला है. मैं भी यही रूल अपनाती हूँ, आप भी ये रूल अपनाएं, जिसकी भी हेल्प करनी है आप कीजिए. ठीक है. आज मैं आपको बहुत पते की बात बताती हूँ, इसी प्रिंसिपल में मैंने अपनी आज तक लाइफ जी है. ठीक है. एंड दैट इज द रीजन वाई आई स्माइल. क्या है, सबकी हेल्प करो, नहीं करनी मत करो. ठीक है. किसी से कुछ भी आप कर रहे हैं जीवन में, याद रखना एक्सपेक्टेशन मत रखना. द डे यू स्टार्ट कीपिंग एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अदर, दैट इज द डे यू विल गेट इन टेंशन. ठीक है. मान लीजिए कि आपने किसी की हेल्प की, उसे आपने नोट्स दिए, आप मत फेवर मांगो यार. ठीक है. कई बार जिंदगी में आते मौके जब आपको हेल्प की जरूरत पड़ती है, हेल्प मिल गई बहुत बढ़िया, पर उस एक्सपेक्ट मत करना कभी नहीं. आप किसी भी एक रिलेशनशिप में, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये मेरा फर्ज है. ठीक है. चैप्टर में इसलिए ये सब ज्ञान की बात बता रही हूँ. आप किसी रिलेशनशिप में भी है ना, आप कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपेक्ट मत करना. क्योंकि जब अनएक्सपेक्टेड कुछ होता है ना, दैट कम्स एज अ सरप्राइज, दैट ब्रिंग्स अ स्माइल ऑन योर फेस. ठीक है. आप लोग को देखते होंगे, ओ वो इतना बड़ा बुके लाया, ये लाया, वो लाया. मत करो एक्सपेक्ट यार, मत करो. शायद वो एक गुलाब भी ले आए तो तुम खुश हो जाओ, क्योंकि एक्सपेक्टेशन तुम्हारी इतनी होगी, अगर कल को इतना आ गया तो तुम्हारा दिल ही टूटेगा बच्चों. ठीक है. मैं जब भी अपनी क्लास में आती हूँ, मैं हमेशा ये सोच के आती हूँ कि कितने भी बच्चे आए, मेरा काम है पढ़ाना, मुझे बस पढ़ाना है. बच्चे आ जाते हैं मैं बहुत खुश हो जाती हूँ. ठीक है. बट अगर मैं ये सोच के आऊँ कि आज तो 5,000 बच्चे आने चाहिए और आए अगर 2,000, तो मेरा दिल टूटेगा. नहीं एक्सपेक्ट करना लाइफ में. ठीक है. ये गोल्डन रूल मैं आपको बता रही हूं अपना जीवन को सरल बनाने के लिए और बढ़िया बनाने के लिए. ठीक है. ये बहुत जरूरी है बेटा कि आप लोगों से किसी चीज का एक्सपेक्टेशन कभी ना रखो, कभी नहीं. जो मिल रहा है खुश रहो. अगर मम्मी ने आज पनीर की सब्जी बनाई, उसमें मटर नहीं डाले तो कोई नहीं, पनीर तो है. ठीक है. मटर की सब्जी बनाई है, पनीर नहीं है तो कोई नहीं, मटर की सब्जी तो है, है ना. हमने तो एक्सपेक्ट किया था तोरी, मिल गई हमें मटर पनीर. तो दिस इज अ स्माइल ऑन योर फेस. तो जिंदगी में हर छोटी चीज में खुशी ढूंढना ही एक कला है जो आपको जिंदगी में बहुत आगे ले जा सकती है. बहुत आगे बेटा, बहुत आगे. ठीक है. इतना आगे लेके जाएगी ना, और आप हमेशा धरती से जुड़े रहेंगे, हमेशा.
आज मैं किसी भी बहुत बड़े, मतलब मैं कभी शाहरुख खान को सुनती हूँ या रतन टाटा जी को सुनती हूँ, एपीजे अब्दुल कलाम के प्रीवियस इंटरव्यूज देखती हूँ, आप देखते हो वो कितने साधारण लोग हैं, मैं देखती हूँ उनकी सिंप्लिसिटी कितनी है, इतने सिंपल है, और लुक एट द सक्सेस रोर्स नॉट यू नो देयर क्लोथ्स, उनकी सक्सेस जिंदगी, उनका नाम ही काफी है किसी भी चीज के लिए, सो दैट इज वॉट दे आर, ठीक है। तो लाइफ में मैं आपको ये चीज समझा रही हूँ कि देखो यार किसी से एक्सपेक्टेशन मत रखो, ठीक है, अगर कुछ छोटा भी हो गया तो आपके चेहरे पे हंसी जरूर आने वाली है। ये चीज मैं लड़कियों को भी बोलूंगी और लड़कों को भी बोलूंगी, ठीक है मेरे बच्चों, लड़कों को मैं ये बोलूंगी आप प्लीज इस करके नीट क्लियर मत कीजिए कि आपको आगे फैमिली चलानी है, यू आर गोइंग टू बी द ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली, नो, आप बस तैयारी कीजिए, जो होगा देखी जाएगी। लड़कियों से मैं कहूंगी आप आए हैं, पढ़ रहे हैं, यू आर चेंजिंग द सोसाइटी, बहुत अच्छी बात है, बट एट द सेम टाइम जस्ट रिमेंबर योर फैमिली ऑल्सो कम्स फर्स्ट, एट द एंड ऑफ द डे आप घर ही आएंगे और घर के सदस्य ही आपको खुश रख सकते हैं, कितना भी काम कर लो बेटा बाहर जाके, जब आप घर पे जाते हैं ना और घर पे जब प्यार से सब आपको वेलकम करते हैं, आ जाओ बेटा, दैट इज द टाइम वेन यू फील ठीक है, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, शायद सब मेरे से खुश है। बट इफ यू कीप, लड़कियों से स्पेशल गुजारिश है बेटा आप डॉक्टर भी बन जाओगे ना, मेक योर सेल्फ हम्बल, क्योंकि फैमिली ही है जो आपको बहुत आके सहारा देने वाली है, ठीक है बच्चों। सो दीज आर द थिंग्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि यू डोंट गेट इनटू अनड्यू थिंग्स, गलत चीजों में नहीं जाना है, क्योंकि जो मजा परिवार के साथ चाय की चुस्की लेने का है ना, वो तो बेटा दोस्तों के साथ बैठ के सीन बनाने में भी नहीं होता, ठीक है, मैं आपको ये बात बता रही हूँ, ठीक है, परिवार के साथ बैठे हुए चाय के पकौड़े 10 साल तक याद रहेंगे, बजाय उस फ्रेंड की बर्थडे पार्टी जहां पे दो कांड हुए होंगे, है ना, यस yes. तो यहां पे आपको देखना है अवॉइड अनड्यू प्रेशर, प्रेशर बिल्कुल अवॉइड आपने करना है हमेशा, ठीक है। एजुकेशन एंड काउंसलिंग, वी आर हियर टू एजुकेट यू, जब भी कोई भी प्रॉब्लम होती है मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि बेटा टेंशन मत लो, नीट पोस्टपोन की चीज शायद 3 महीने पहले शुरू हो गई थी, मैं आपको उसी दिन बता दिया था, आपने कुछ नहीं करना, आपने चिल रहना, अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, जो होगा हम देखेंगे, हम यहीं बैठे हैं, अगर कल भी आज एनटी आके कह दे रहा ना कि 1 महीने बाद नीट का पेपर है, तुम देखो दो दो सेशन सुबह 7:30 से लग जाएंगे तुमको पढ़ाने के लिए, बस एक बार कह के तो देखे एनटीए कि इस दिन पेपर है, 15 दिन भी देगा तो यार 15 दिन देखो सुबह से बैठ जाएंगे, 6 बजे बैठ जाएंगे तब, बट बैठ जाएंगे क्यों, अरे डेट तो दो, है ना, आप उस चीज के लिए प्रिपेयर करो, अभी आप आराम से पढ़ो, मत लो टेंशन यार किसी चीज की, जस्ट लिव योर लाइफ एंड कीप स्टडिंग, द डे दे विल कम विद द डेट, वी आर हियर टू टीच यू ऑन एन अकेडमी, हम आ जाएंगे यार सुबह, क्या हो गया, 1 महीना बच्चों के लिए मेहनत नहीं कर सकते, करेंगे यार, ठीक है, यस। सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर, कितने बच्चे हमसे प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, हम शॉर्ट्स बना देते हैं, बच्चों ने कहा मैम कोरोना हुआ है पढ़ने का मोटिवेशन लूज हो गया है, एक शॉर्ट बना दिया आपके लिए, ठीक है, सो वी आर हियर फॉर यू, वी आर ऑलवेज हियर फॉर यू, लैकिंग फॉर डेंजर साइंस, लैक ऑफ लुकिंग फॉर डेंजर साइंस, सॉरी डेंजर साइंस देखने हैं, अपना ही नहीं बाकियों का भी देखो, ठीक है, जस्ट ऑब्जर्व, और देखो कुछ सब सही है ना, ऑब्जर्वेशन इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ चैट बॉक्स में मैं कितनी बार मैं पकड़ लेती हूँ कि ये बच्चे को क्या हुआ है, ठीक है, और मैं मैसेज भी कर देती हूँ क्या है ये, कई बार तुम लोग आशिकी झाड़ते हो वहीं पे तुम सुन लेते हो हमसे, ठीक है। फिर आते बेटा यहाँ पे सीकिंग प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प, दिस शुड बी द लास्ट थिंग, और मैं तो चाहती हूँ मेरे बच्चे कभी यहाँ पे पहुंचे ही ना, मेरे बच्चे बहुत प्यारे हैं, ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि बेटा यू बिकम द प्रोफेशनल एंड हेल्प अदर्स इंस्टेड ऑफ बीइंग एट द पॉइंट जहां पे आपको ट्रीटमेंट लेना पड़े, नहीं, बी एट द लेवल ऑफ प्रोफेशनल कि आप लोगों की हेल्प करें इन सब चीजों को छुड़ाने में, क्योंकि बेटा अपने देश में ना बहुत पोटेंशियल है, पता है अपने देश में इतना पोटेंशियल है, कल मैं डॉक्यूमेंट्री देख रही थी, आप देख रहे हो कौन कौन सी रेलवेज बन रही है, सोलर प्लांट बन रहा है पूरा गुजरात में, इतना बड़ा मेगावाट का, अपने देश में हर चीज है, कल्चर से लेके पोटेंशियल से लेके आप सब में जुनून से लेके सब कुछ है, बट द ओनली थिंग इज लैकिंग इज कि कर क्यों नहीं रहे हैं, बस सुन रहे हैं सोसाइटी को, डोंट गेट इनटू दिस, ठीक है, बी एट अ स्टेज वेयर यू आर देयर कि आपके एक फोन से भी सबकी हेल्प हो जाए, ठीक है, जितने भी हमारे गांव वाले बच्चे हैं बेटा इस लेवल पे पहुंचो कि एक फोन पे तुम्हारे गांव की बिल्कुल ना बिल्कुल हवा पानी सब चेंज हो जाए, यू बिकम द रिस्पॉन्सिबल, यू नो यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर योर विलेज, ऐसा ऊपर लेकर जाना है। आईएएस ऑफिसर्स जब आईएएस क्लियर करते हैं तो वो अपने गांव के लिए कितना कुछ करते हैं, आप भी कीजिए यार,
ठीक है. सो बेटा रीच एट द स्टेज वेयर यू कैन अचीव लॉट ऑफ थिंग्स इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू दैट एरिया जहां पे आपको कुछ नहीं मिलना है. ऐसे लोग जो ड्रग्स और एल्कोहल करते चले जाते, कोई याद भी नहीं करता. ठीक है. सो बी एट अ स्टेज वेयर पीपल रिमेंबर योर लेगेसी, दैट व्हाई यू लिव्ड. ठीक है. चले इसी के साथ, इतना मोटिवेशन तो मेरे में पता नहीं कहां से आया. जस्ट जो दिल में था वो बोल दिया, स्क्रिप्ट नहीं थी बिल्कुल भी. बस हमेशा मैं आपको ये कहती हूँ, बी हैव अ स्माइल ऑन योर फेस, बी मॉडेस्ट, एंड जिसको जो करना है करो यार. ठीक है. अपन तो जिएंगे ना, अपन की कला तो कोई नहीं ले सकता, आपकी नॉलेज आपसे कोई नहीं ले सकता. ये आपके हथियार है, आपकी नॉलेज. कोई लेके दिखाए कोई ले ही नहीं सकता, क्योंकि है ही नहीं. कोई कैसे ले सकता है? लक्ष्मी ले सकता है, ठीक है, बट आपकी विद्या कोई नहीं ले सकता आपसे, क्योंकि वो इधर है, इधर. तो इसे क्यों रखा है इन सब में, जस्ट रॉक इट. ठीक है. तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस सेशन, लाइक एंड शेयर द वीडियो. टुमारो वी गोना स्टार्ट विद स्ट्रेटजीज. स्ट्रेटजीज वाले चैप्टर का बहुत बच्चों को बहुत दिनों से इंतजार था, क्योंकि तुम लोग खुद नहीं पढ़ते, तुम्हें बोर लगता है. बट इसी के साथ मैं बता दूं, अनअकैडमी पे मेरी मॉक टेस्ट की क्लास है 1 बजे. उसका लिंक मैंने शेयर किया हुआ है, आपको दिख रहा होगा सबको, अपने ये दो दो बट्टा जैसी आंखों से. अगर आपसे कोड पूछ रहा है तो जीए नीट कोड लगा के आप इस वाली क्लास में आ सकते हैं. आज भी हम 60 से 90 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे. ठीक है बच्चों. एंड जी स्क्वायर इज ऑलवेज विद यू. आई एम ऑलवेज विद यू इस चैनल पे भी और नए चैनल पे भी. आई एम ऑलवेज विद यू. द वन थिंग विच विल ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट इज मी, ऑलवेज, हमेशा. ठीक है. सो हैव अ स्माइल ऑन योर फेस एंड रॉक द डे. बाय बच्चों. I'll see you at 1 o'clock. Bye.